और कल से हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे आप लोग बता देना कि कौन सी नई यूनिट हम लोग को स्टार्ट करनी है। ह्यूमन फिजियो तो आज ख़त्म, ह्यूमन फिजियो का तो टाटा बाय बाय ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आज तक इस चैप्टर को कभी भी ना किया हो, ट्रस्ट मी तुम लोग को एक एक चीज़ यहाँ पे याद हो जाने वाली है। पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट में जल्दी ही करने जा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में टाइम वेस्ट कर दूँ, ठीक है। क्योंकि तुम लोग ये मान के चलो कि अपने ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, अपने पास फिर टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। इसीलिए डू मेक श्योर कि आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें विच इज़ नेम्ड बाय रक्षिता सिंह। रक्षिता सिंह जैसे ही टेलीग्राम पे लिखोगे आप लोगों को मिल जाएगा। और इस चैप्टर पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे ज़्यादा बकर बकर नहीं करनी, अभी ज़्यादा बातें नहीं करनी, एक बार मुझे इस यूनिट को कंप्लीट करना है। लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है। अभी मेरे को इस चैप्टर को स्टार्ट करने दो, अभी नहीं देख रही मैं कौन सी यूनिट करवानी है कौन सी नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के चले जाना जैसे ही अपने पास चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मुझे बता दो गाइज, हाउ इज द जोश? अगर इससे आप पहले आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग को एक एक चीज़ अब समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। हाउ इज द जोश? ग्रेट यार, ग्रेट। तो अपन जो सबसे पहली चीज़ अपने पास है दैट इज कोऑर्डिनेशन। जैसे अपना एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। मैंने क्या बोला, मैंने तुमको बोला कि हम लोग डेली 5 बजे पे क्लास रखेंगे और तुम डेली 5 बजे वो क्लास लेने आ जाते हो। ये क्या है हम लोग का, ये है एक कोऑर्डिनेशन। तुम्हारा और मेरा एक कोऑर्डिनेशन अपने पास बना हुआ है। तो प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंट्रैक्ट एंड कोऑर्डिनेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। तुम यहाँ क्या करते हो, मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाती हूँ, तुम क्या करते हो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाते हो मेरे लिए, ठीक है। तुम लोग जो इंस्टाग्राम्स पे मुझे टैग कर करके स्टोरी शेयर करते हो, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं, ये सब चीज़ें वर्थ इट होती हैं जो हम यहाँ पे जितना पढ़ा रहे हैं वो सब चीज़ें। हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट हमें मिलते हैं उससे हम लोग का जो काम है वो चल जाता है, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हम लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में वो भी आपस में इंट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग इंट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे ही वो लोग आपस में इंट्रैक्ट करते हैं और इंट्रैक्ट करके वो कोऑर्डिनेट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वो उसको कहेगा वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये क्या करेगा, ये दूसरे को बोलेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब न्यूरल सिस्टम अपने पास क्या होता है, हमने कल एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन। मैंने तुम्हें कहा था हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है केमिकल लोचा, हार्मोन्स इधर से उधर जा रहे होते हैं मेरी बॉडी के अंदर, इधर से उधर चीज़ें जा रही होती है मेरे पास, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम होता है दैट इज न्यूरल सिस्टम। अब ये मेरे पास फ़ोन है, जैसे ही ऐसे गया तो एकदम से मैंने देखो एकदम से मैंने क्या किया, एकदम से मैंने यहाँ पर एकदम से ऐसे एकदम से सहम गई मैं बिल्कुल। एकदम से क्या हुआ मेरे पास यहाँ पर, क्विक कोऑर्डिनेशन। अब तुम ऐसे सोचो, ये जैसे ही फोन नीचे गिरा, फोन नीचे गिरते ही मेरे हाथ एकदम से नीचे चले गए, मतलब मेरे ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिली। इंस्ट्रक्शन मिलते ही देखा किसने कि फोन गिर रहा है, देखा मेरी आंखों ने, मेरी आंखों ने देखा कि फोन गिर रहा है। जैसे ही आंखों ने फोन देखा तो अब वो क्या किया, उसने ब्रेन को ब्रेन को भेजा एंड ब्रेन ने मेरे हाथों को भेजा कि पकड़ो गिर जाएगा गिर जाएगा। एक किडनी बेच के मुश्किल से लिया था, दूसरी बेचनी पड़ेगी फिर से, ठीक है। तो क्या होगा, अपने पास यहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन है मेरी आंख के बीच में, मेरे हाथों के बीच में, मेरे ऑर्गन्स के बीच में, एकदम परफेक्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन अपने पास है। क्विक कोऑर्डिनेशन हम लोगों के पास यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या क्विक कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है,
क्या क्विक कोऑर्डिनेशन हम लोग के पास प्रेजेंट है? हाँ जी बिल्कुल, क्विक कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है। सबसे पहली जो टर्म अपने पास है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? भाईचारा। अपन सभी के अंदर आपस में क्या है? हम सभी के अंदर भाईचारा यहाँ पर है। हम लोगों के यहाँ पे ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? इंट्रैक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के फंक्शन को। और न्यूरल सिस्टम क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। क्विक कोऑर्डिनेशन हम लोगों के पास यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा है। क्या ये चीज सभी लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? ये सबको समझ में आया कि देखो वन बाय वन करके पेज बाय पेज बताते जाना कि हाँ जी हम लोग को ये पेज याद हो गया। अगर आप लोग को कोई भी बोले कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्या सभी लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है? न्यूरल सिस्टम कैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, क्या इस चीज़ के बारे में भी सबको पता चल गया कि न्यूरल सिस्टम हम लोग की बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल करेगा? ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट टू पॉइंट क्विक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाएगा। अब तुमने कहा ये न्यूरल सिस्टम जो होता है ये बना किससे होता है? मैंने कहा यार ये जो न्यूरल सिस्टम अपने पास है ये बना होता है न्यूरॉन्स से। किससे बना होता है? न्यूरॉन्स से अपने पास यहाँ पर बना होता है। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो जल्दी, पापा जी क्लास है अभी तो। हाँ, डेढ़ घंटा। सॉरी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है? सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी अबाउट दैट। तो हम लोग के पास क्या है? न्यूरल सिस्टम अपने पास यहाँ पर क्या होता है? वो किससे बना हुआ होता है अपने पास? वो बना होता है न्यूरॉन्स से। किससे बना होता है? न्यूरॉन्स से अपने पास यहाँ पर बना होता है। अब न्यूरॉन्स क्या करते हैं एक बात बताओ। ये मेरे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये फ़ोन मेरा गिरा, ये फ़ोन मेरा जैसे ही गिरा ये न्यूरॉन्स यहाँ पे थे हाथ के ऊपर। हाथ के ऊपर आते क्या हुआ? इसने ये गिरते ही क्या किया? इसने डिटेक्ट किया। सबसे पहले क्या किया? जैसे ही इस पे ऐसे टच हुआ डिटेक्ट हुआ। डिटेक्ट होने के बाद इसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट किया। यही तो हो रहा है ना, सबसे पहले रिसीव, फिर डिटेक्ट, फिर ट्रांसमिट। रिसीव सबसे पहले, सॉरी सबसे पहले डिटेक्ट, उल्टा बोल दिया मैंने। सबसे पहले डिटेक्ट, फिर रिसीव, फिर ट्रांसमिट, ठीक है जी। तो अपने पास न्यूरल सिस्टम क्या करता है हम लोगों का? वो डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। जितने भी ये स्टिमुलस मुझे मिल रहे हैं उनको क्या करता है अपने पास? ये ट्रांसमिट करता है। सबसे पहले क्या किया? रिसीव किया। फिर क्या किया? सबसे पहले डिटेक्ट किया, फिर क्या किया? रिसीव। रिसीव करने के बाद ट्रांसमिट किया। हाँ ना बोलो, सबसे पहले बोलो हाँ ना बोलो। चलो ओके। अब न्यूरल सिस्टम अलग अलग, उनके अंदर अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होगा। अगर हम बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट्स कर लो यहाँ पे। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि अपने पास बहुत सिंपल हाइड्रा अपने पास हो गया, तो ये किससे मिलकर बना होता है? बिल्कुल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क अपने पास होता है, उनसे मिलकर ये बना होता है। दूसरा अपने पास क्या है? इंसेक्ट्स, अपने कीड़े मकोड़े। अपने कीड़े मकोड़े कहते ही अपने कॉकरू का नाम सोच लिया करो, कॉकरोच का नाम सोच लिया करो। तो अपने पास वहाँ पे उसको ऐसे सोच लिया करो, अपना कॉकरोच जो है ना उसको हम जैसे ही छेड़ते हैं बड़ा दिमाग वाला इंसान है, ठीक है। तो ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यूज के साथ में और अपने पास गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज के साथ ये क्या है हम लोगों के पास? ये क्या है हम लोग के पास? यहाँ पर इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इस पेज को याद करते हैं यार। सबसे पहली बात मेरे साथ फटाफट सभी लोग रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? न्यूरल सिस्टम किससे कंपोज्ड होता है? फटाफट बोलो। न्यूरल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, न्यूरल सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। क्या करेगा ये? डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद, रिसीव करने के बाद हम लोग के पास ये क्या करेगा? रिसीव करने के बाद ये अपने पास ट्रांसमिट करेगा।
ठीक है, ओके जी। न्यूरल सिस्टम अपने पास यहाँ पर क्या करता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा सिंपल, जैसे हाइड्रा के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल भी वेल डेवलप्ड नहीं होगा, बिल्कुल भी वेल डेवलप नहीं होगा। किससे मिलकर बना होगा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से मिलकर बना होगा। दूसरा चीज क्या है अपने पास, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अंदर अपने पास क्या होता है, इंसेक्ट्स के अंदर ब्रेन इज प्रेजेंट विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। यहाँ पे अपने कॉकरू का क्या होगा, अपने कॉकरोच भाई का एक गैंग होगा, इसके पास अगर गैंग होता है साथ में कुछ न्यूरल टिश्यूज अपने पास यहाँ पर होते हैं तो, और साथ में थोड़ा बहुत, अब गैंग है तो गैंग को संभालने के लिए दिमाग भी होना चाहिए ना बंदे में, गैंग को संभालने के लिए दिमाग भी होना चाहिए बंदे में, तो बंदे में दिमाग भी है अपने पास। और वर्टिब्रेट्स के अंदर तो क्या होता है, उनके अंदर तो जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर एक वेल डेवलप न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास न्यूरल सिस्टम, अब न्यूरल सिस्टम सोचते ही सबसे पहले न्यूरल सिस्टम मेरा किस चीज़ से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। क्या करता है ये, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है स्टिमुलाय को। नेक्स्ट अपने पास अलग अलग, अगर न्यूरल सिस्टम के बारे में अपन बात करें, लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होगा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपल, हाइड्रा में सिंपल अपने पास नेटवर्क हो ता है न्यूरॉन्स का। अगर अपन इंसेक्ट्स की बात करें, उनके अंदर थोड़ा सा दिमाग प्रेजेंट होता है उनके गैंग के साथ, और थोड़ा सा न्यूरल टिश्यू वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रेट्स के अंदर अपने पास वेल डेवलप्ड सिस्टम अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या सभी लोगों को ये चीज़ याद हो गई कि नहीं हो गई, फटाफट से मुझे इतना बता दो, ये पेज सभी लोगों को याद या नहीं, याद हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। अब अपने पास किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर अपने पास क्या होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्या है, मेरे न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मेरे न्यूरल सिस्टम के अंदर क्या है, एक तो मेरा बीच का, मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेरे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास यहाँ पर साइड का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तुम एक बात खुद मुझे बताओ, क्या ये मेरी ह्यूमन बॉडी यहाँ पर है, तो इस केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, एक बिल्कुल बीचों बीच जो सब चीजों को रेगुलेट कर रहा है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और बचा हुआ, हर जगह पर मुझे मैसेज पहुंचवाना है, तो हर जगह पर अगर मैसेज पहुंचवाना है तो एक मेरे पास क्या रहेगा वहां पर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी के ऊपर। तो क्या हो गई अपने पास, एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने पास क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बीचों बीच, मैं जब से ऐसे बीचों बीच बना के दिखा रही हूँ, मतलब अपना ब्रेन यहाँ पर और दूसरी मेरी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर, ये क्या करेंगे, ये अपने पास यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बना रहे होंगे। साइड में अपना जितने भी, साइड में अपने पास टिश्यूज से जितने भी टिश्यूज हैं पेरिफेरी की तरफ, हाथों में, पैरों में, जितने भी अपने पास चीजें प्रेजेंट हैं, जितने भी टिश्यूज हमारे पास प्रेजेंट हैं, वो सभी किसके अंदर आ गए, वो सभी आ गए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में, तो अपने पास क्या होता है, अपने पास होता है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब अपने पास क्या होगा, अपना ब्रेन, अपनी स्पाइनल कॉर्ड, अपनी स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी, कॉम्प्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी। तो अपने पास दो यहाँ पर टर्म्स यूज़ की जाती हैं, एक यूज़ किया जाता है एफरेंट, एक यूज़ किया जाता है इफरेंट। एफरेंट का मतलब, अब तुम खुद बताओ, एफरेंट का मतलब ए आ रहा है, इफरेंट का मतलब ई, ई का मतलब एग्जिट, एग्जिट कर रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू की तरफ जा रहा है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इफरेंट, इफरेंट बोले तो एग्जिट,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, एग्जिट करेगा, टिश्यू की तरफ अपने पास वहां पर जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग के पास हो गया इफरेंट। दूसरा अपने पास क्या होगा, दूसरा अपने पास क्या होगा, एफरेंट। एफरेंट वाले केस के अंदर हम लोग के पास क्या होगा, यहाँ पर टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा होगा। तो ये वाला पेज भी क्या सभी लोगों को एक बार मुझे बता दो, सभी लोगों को ये पेज याद हो गया कि नहीं हो गया। हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के अंदर यार यहाँ पे क्या होगा, अपने पास एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपने पास अपना ब्रेन, अपनी स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी एसोसिएटेड चीजें होंगी सभी कहां पर आएंगी, पेरिफेरल में। इसमें दो टर्म्स होती हैं, एक एफरेंट एक इफरेंट। एफरेंट का मतलब ई, इफरेंट, इफरेंट का मतलब एग्जिट। एग्जिट का मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एग्जिट मारेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टिश्यू की तरफ जाएंगी। और दूसरा एफरेंट, वो टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ हम लोग के पास हो गया। ये पेज भी सभी लोग को याद, सभी लोग को ये पेज याद। तो फर्स्ट पेज में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पेज में हमने देखा था व्हाट कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेट करना, इंट्रैक्ट करना, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, न्यूरल सिस्टम क्या करता है, ये बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हम लोग को प्रोवाइड करता है और एकदम से क्विक कोऑर्डिनेशन हो रही है। देखो फोन गिर रहा है मैं पकड़ रही हूँ, बिल्कुल क्विक कोऑर्डिनेशन अपने पास यहाँ पर है। फिर हमने पूछा कि ये न्यूरल सिस्टम बना किससे है, तो न्यूरल सिस्टम अपने पास न्यूरॉन्स से बना है जो कि क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुलाई को। नेक्स्ट अपने पास न्यूरल सिस्टम अलग अलग, उनके अंदर क्या क्या होता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में हाइड्रा के अंदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स से बना था सिर्फ। अपने पास इंसेक्ट्स में उनका गैंग था, उनका दिमाग चला रहा था एक, और कुछ न्यूरल टिश्यूज प्रेजेंट थे, और वर्टिब्रेट्स के अंदर वो वेल डेवलप्ड होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करें तो एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीचों बीच अपने पास यहां पर है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरी के अंदर अपने पास यहां पर क्या होगा, पेरिफेरी वाले केसेस के अंदर जो भी अपने इधर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसको एसोसिएट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर दो टर्म्स अपने पास हो गई। क्या क्या दो टर्म्स हम लोग के पास हो गई, एक हो गया एफरेंट, दूसरा हो गया इफरेंट। पूरा का पूरा चीज मैंने तुम लोग को यहाँ पर रिवाइज करवा दिया, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें हम लोगों ने रिवाइज कर ली। अब बात करते हैं थोड़ी सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अपने पास यहाँ पर क्या था, ये हम लोगों के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी, पेरिफेरल के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी सी अपन डिटेल में बात करते हैं किसके बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। ओके जी, तो अपने पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसा कैसा होता है। पेरिफेरल का मतलब ये मेरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको भूल जाओ, इस ब्रेन को भूल जाओ, इस स्पाइनल कॉर्ड को भूल जाओ, बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ध्यान रखो, जो अपने ये मसल्स वगैरह होती हैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोचो। एक बात तुम लोग खुद बताओ, ये मुझे हाथ ऐसे करना है, मुझे अगर हाथ ऐसे करना है जब मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे कर रही हूँ, अब मेरा ऐसा मन करने की जगह नहीं, ऐसा करने की मन कर रहा है, मान लो ऐसे करने का मन है, मान लो ऐसे करने का मन, कुछ भी करने का मन है, मैं खुद अपनी मर्जी से वहां पर चीजों को कर रही हूं, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, जिसके अंदर अपने पास यहां पे रिले इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल। सोमैटिक। और दूसरा अपने पास क्या होता है, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। इसको कैसे याद रखोगे, ऑटोनॉमिक का मतलब ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक। अपने पास क्या होगा, ऑटोनॉमिक का मतलब क्या होगा, ऑटोमैटिक। ऑटोमैटिक का मतलब, अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये फोन मैंने क्या किया, ये फोन मुझे ऐसे नीचे गिराना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मान लो इस फोन को नीचे गिराना है,
तो और मैंने, मेरे दिमाग ने सोचा कि अब इसको मैं ऐसे हाथ से नहीं, ऐसे हाथ से पकड़ूंगी, तो ऐसे हाथ से पकड़ूंगी, ठीक है जी। अगर मैं ऐसे हाथ से पकड़ूंगी तो अपने पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, मेरा दिमाग इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो अपने पास ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं। जबकि अगर मैं स्टमक को कहूँ, बहन स्टमक तू ऐसे मत डाइजेस्ट कर, तू ऐसे ऐसे डाइजेस्ट कर, तू ऐसे ऐसे डाइजेस्ट कर, क्या हम लोगों के बारे में वो कुछ मानेगी? क्या स्टमक हमारी मानेगी? क्या किडनी हमारी मानेगी? कोई हमारा मानने को तैयार नहीं होगा। वो अपना काम खुद से, जो उनका मर्जी करेगा उसी तरीके से करेंगे। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम वो क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ पर लेकर जाता है, इनवॉलंटरी या फिर स्मूथ मसल्स की तरफ। कहाँ पर लेकर जाता है, इनवॉलंटरी या फिर स्मूथ मसल्स की तरफ वो लेकर जाता है, जिस पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। तो सबसे पहली बात, अपन किस किस से मिलकर बने हुए हैं, देखो अपन यहाँ पे एक चार्ट बना लेंगे। क्या है हम लोगों के पास चार्ट, जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो किससे बना है। वन इज, अपने पास दो चीजें हमने पढ़ी थी, क्या क्या, एक पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर अपने पास है, वो दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। किन किन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक हो गया सोमैटिक, एक क्या हो गया हम लोगों के पास, सोमैटिक, और दूसरा हम लोगों के पास क्या हो गया, ऑटोनॉमिक। अब तुम लोगों को खुद से ही पता चल रहा है, ऑटोनॉमिक से ही आप लोगों को पता चल रहा है, ऑटोमैटिक, ऑटोनॉमिक, ऑटोमैटिक, सेम सेम सी टर्म्स हैं, थोड़ी सेम सेम सी टर्म्स हैं, मतलब इसको तुम लोग खुद से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जितनी भी इनवॉलंटरी या फिर स्मूथ मसल्स हैं वो किसके अंदर आएंगी, ऑटोनॉमिक में। जो अपने पास, जिस पे कंट्रोल तुम खुद कर रहे हो, दैट इज स्केलेटल मसल, वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आएंगी। तो अपने पास अगर ऑटोनॉमिक की भी बात करूं, ऑटोनॉमिक को भी फर्दर डिवाइड करूं, तो ये दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, सोमैटिक, सॉरी सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। तो दो चीज़ें अपने पास हो गई, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। क्या इतना यहाँ तक सभी लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से याद हो गई, एक एक चीज़ अच्छे से याद हो गई, एक एक चीज़ अच्छे से याद। सबसे पहले अपने पास कोऑर्डिनेशन और ये वाला पेज था, ये सभी लोगों को याद। उसके बाद न्यूरल सिस्टम वाले, ये सभी किसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ये अपने सभी चीज़ों को याद, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सभी को याद, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सभी को याद, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो सभी को याद, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, उस वो जो न्यूरॉन्स से मिलकर अपने पास बना होता है उसके बारे में हम अब स्पेसिफिकली, स्पेशली उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, जोश है ना आज पूरा इस क्लास में, जोश मेंटेन रखना, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी आज हम लोग की खत्म हो जाएगी। टोटल तुम लोगों के बायोलॉजी के 12 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे आज, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। अब 11th के अंदर सारी यूनिट मक्खन जैसी हैं, छोटी छोटी हैं, चिन्नू चिन्नू सी, तीन तीन चार चार दिन के चैप्टर्स हैं। यही दो यूनिट्स बहुत बड़ी बड़ी थी, ये दोनों यूनिट्स हमने कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं उस न्यूरॉन के बारे में, एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। वही हमारा स्ट्रक्चर बना रहा होता है, वही हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा होगा। क्या इस सभी चीज़ों के बारे में आपको न्यूरॉन्स के अंदर पता है, क्या न्यूरॉन्स के अंदर आपको पता है इसके बारे में? अब बात करते हैं उस न्यूरॉन के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में, वो न्यूरॉन किस किस से मिलकर बना होता है। गाइस कम ऑन, मुझे न्यूरॉन मान लो, चलो मुझे न्यूरॉन मान लो, फटाफट से सभी लोग मुझे न्यूरॉन मान लो। क्या न्यूरॉन दिख रहा है तुम लोगों को, क्या सभी लोगों को यहाँ पे एक जीता जागता न्यूरॉन दिख रहा है, दिख रहा है, चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, हम लोग को दिख रहा है। अब अपने पास यहाँ पर क्या क्या है, तुम एक बात बताओ। एक तो है मेरे पास ये रहे डेंड्राइट्स, क्या सभी लोगों को मेरे डेंड्राइट्स दिखे, सभी लोगों को डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। दूसरा क्या है, क्या सभी लोगों को मेरी सेल बॉडी दिख रही है, सेल बॉडी,
तीसरा क्या है, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट। क्या मेरे सभी लोगों को एग्जॉन, तो मेरे नहीं दिख पा रहे होंगे तुम लोगों को, लेकिन मेरे एग्जॉन इमेजिन तो कर पा रहे हो ना यार, मेरे एग्जॉन इमेजिन तो कर पा रहे हो। मैं तुम लोगों को क्या मतलब उठा के कैसे दिखाऊं तुम लोगों को ऊपर तक। मैं बचपन में थी नेशनल लेवल योगा में, अब नहीं हूँ मैं नेशनल लेवल योगा में, ठीक है। तो अब छोड़ दिया मैंने योगा वो वाला, ठीक है जी, ओके। तो अपने पास क्या है, सभी लोगों को मेरा क्या दिख रहा है, सभी लोगों को मेरे डेंड्राइट्स दिख रहे हैं। डेंड्राइट्स दिखने के बाद सभी लोगों को मेरी सेल बॉडी दिख रही है। सेल बॉडी दिखने के बाद किसी को भी मेरे एग्जॉन्स नहीं दिख रहे, पर एग्जॉन्स मेरे पास यहाँ पर हैं। तो डेंड्राइट्स देखो ऑलमोस्ट छेम छेम है, यहाँ पे छेम छेम है। एक बार क्या है अपने पास, ये रही मेरी डेंड्राइट्स, ये रही मेरी सेल बॉडी, ये रहे मेरे यहाँ पर एग्जॉन्स, ये रहे मेरे यहाँ पर एग्जॉन्स। वन बाय वन करके बात कर लो। एक क्या हो गया, सबसे पहले मेरे देखो यहाँ पे क्या होगा, डेंड्रफ होगा, डेंड्रफ से डेंड्राइट्स, डेंड्रफ से डेंड्राइट्स। और कैसे याद रखूँ तुम लोग को, बहुत ब्यूटीफुल न्यूरॉन है। अरे अरे थैंक यू चलो ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, डेंड्रफ बोले तो डेंड्राइट्स, चलो डेंड्राइट्स, ठीक है डन जी। तो डेंड्राइट्स सेल बॉडी एग्जॉन, डेंड्राइट्स सेल बॉडी एग्जॉन डन जी, ठीक है। अब सेल बॉडी के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या क्या होता है, मेरी सेल बॉडी अपने पास है। क्या तुम लोगों को साफ साफ यहाँ पे दिख, साफ साफ तो कैसे दिख रहा होगा, मेरी सेल बॉडी तो कैसे दिख रही होगी तुम लोगों को, साइटोप्लाज्म होगा, एक सेल है, एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, कुछ सेल की ऑर्गेनेल्स होंगी। क्या क्या सेल की कुछ ऑर्गेनेल्स होंगी, क्या नीजल ग्रैन कुछ ग्रैनुल्स, तो ये छोड़ो ये तो नहीं होते हैं अपने पास कभी भी किसी भी सेल में, लेकिन क्या किसी भी सेल की अगर मैं बात करूं उसमें साइटोप्लाज्म होता है, क्या उसके अंदर कुछ ऑर्गेनलीज होती हैं, तो सेल बॉडी के अंदर क्या क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनली होगी, सेल ऑर्गेनली होगी, और कुछ ग्रैनुल्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या होता है, नीजल्स ग्रैनुल्स या फिर ग्रैन्युलर बॉडीज। तो देखो एक न्यूरॉन तुम्हारे पास है, न्यूरॉन में सबसे पहले तुमने क्या देखे, तुम लोगों के डेंड्राइट्स, और मुझे पता है तुम लोगों को ये डेंड्राइट्स बहुत पसंद है, बहुत लोगों को डेंड्राइट्स बहुत पसंद है ना, बहुत लोगों को डेंड्राइट्स पसंद है। उसके बाद डेंड्राइट्स के बाद अपने पास क्या है, ये है सेल बॉडी, और नीचे क्या है अपने पास, जो पैर है वो एग्जॉन्स है, वही चीज अपने न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट है। सेल बॉडी में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बीच में अपने पास क्या क्या होंगी, कुछ सेल की ऑर्गेनेलीज होंगी, और यहाँ पे ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, नीजल ग्रैनुल्स, ग्रैनुलर बॉडी हम उसको बोलेंगे। क्या ये सभी पेज सभी लोगों को एकदम चमक रहा है, एकदम सभी लोगों को चमक रहा है, गजब गजब। नेक्स्ट डेंड्राइट। अब डेंड्राइट क्या होता है पता है हम लोगों को, शॉर्ट फाइबर्स फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली, देखो शॉर्ट फाइबर्स हैं, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट ही फाइबर्स हैं। आज तक मुझसे इतने लोग पूछते थे दी आप बाल छोटे क्यों रखते हो, बाल छोटे क्यों रखते हो, तो मैंने आज रीज़न आप लोगों को बता ही दिया है, ताकि मैं तुम लोगों को डेंड्राइट्स के बारे में समझा पाऊँ, इसीलिए मैं बाल छोटे रखती हूँ। थैंक यू। तो शॉर्ट फाइबर्स अपने पास यहाँ पर क्या होते हैं, विच ब्रांच रैपिडली प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, सेल बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं, और इनके अंदर भी नीजल ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर भी नीजल ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं। आज के बाद कभी डेंड्राइट तो तुम भूलोगे ही नहीं। अपने पास शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रेपिटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी एंड ऑल्सो कंटेन नीजल ग्रैनुल्स, ये अपने पास क्या हो गया, ये हम लोगों के पास यहाँ पर हो गया डेंड्राइट्स। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एग्जॉन्स। एग्जॉन्स अपने पास क्या होंगे, नीचे जो मेरे पैर हैं एग्जॉन्स उसको मान के तुम लोग चलो, तो इट इज अ लॉन्ग फाइबर हैविंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एट द एंड। क्या सभी लोग अपना अपना पैर उठा के देखो, सभी लोग अपना अपना पैर उठा के देखेंगे, पैर उठा के देखो, क्या तुम लोगों को कुछ अपने पैर में इस तरीके की उंगलियां नजर आ रही हैं, आज तक देखा नहीं होगा जिंदगी में तुमने पैर, आज देखो, देखो आज तुम लोग दिख रहा है तुम लोगों को, चलो ठीक है। अब अपने पास यहाँ पर क्या है, इट इज अ लॉन्ग फाइबर, क्या ये एक लंबा फाइबर है, तुम खुद सोचो पैर क्या छोटा सा होता है,
स्ट्रक्चर हैविंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर एट द एंड, उसके सिर्फ एंड के ऊपर ही ब्रांच्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसके सिर्फ एंड पर है, एंड पर है, तुम लोग खुद देखो एंड पे है, बाकी कहीं नहीं है. विच टर्मिनेट्स इनटू नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब, जो कि सिनेप्टिक नॉब के अंदर अपने पास टर्मिनेट होता है. डेंड्राइट्स इज इक्वल्स टू डेंड्रफ, डेंड्रफ इज इक्वल्स टू हेयर्स. तो डेंड्राइट्स तुम लोग को याद, जो बाहर प्रोजेक्ट आउट हो रहे हैं सेल बॉडी से, वो हो गए डेंड्राइट्स. बीच में हो गई सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म से और सेल ऑर्गेनलीज से बनी है. और तीसरी अपने पास यहाँ पर क्या हो गई, एग्जॉन्स हो गए. एग्जॉन्स क्या होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, एंड के ऊपर उनमें ब्रांचिंग है, वो उंगलियाँ एंड में है. मेघा, मेघा ये टांग वाला इमोजी भेज रही है. मेगा सेंसिटिव कंटेंट मत भेजो, ये तुम जो यहाँ पे लड़कों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो ना अपनी टांगे दिखा के, ये कोशिशें मत करो. अब कुछ लोग और भेजने लग गए हैं, ये सेंसिटिव कंटेंट मत देखो यार, बैन हो जाएगा यहाँ पे मेरा वीडियो. सोमनाथ कह रहा है पागल है क्या ये लड़की. हाँ यार पागल ही है, और अक्सर पागल ही जिंदगी में कुछ करके जाते हैं. आइंस्टाइन को भी लोगों ने पागल कहा था. ठीक है डन जी, याद सभी लोगों को मेरा न्यूरॉन कैसा लगा, सभी लोगों को न्यूरॉन कैसा लगा, कैसा था न्यूरॉन, अच्छा था न्यूरॉन, चलो ठीक है. तो ये क्या हो गया यार, ये है मेरे डेंड्राइट्स, ये है मेरी यहाँ पर सेल बॉडी, ये है मेरे पास यहाँ पर मेरा एग्जॉन, जो कि लास्ट नीचे क्या है यहाँ पर ब्रांच्ड है. और टर्मिनेट किस पे हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है सिनेप्टिक नॉब के अंदर. किस पे टर्मिनेट हो रहा है, अब आर्यन भी दिखा रहा है अपनी टांगे, ये लो मेरी टांगे. नो नो बच्चे, यहाँ पे हमारी लड़कियां बहक जाएंगी बेचारी. तो डेंड्राइट्स हो गई अपने पास, जिनके यहाँ पे नीजल ग्रैनुल्स भी उनमें प्रेजेंट होते हैं. ये हो गई मेरी सेल बॉडी, उसमें साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनलीज होंगी, न्यूक्लियस अपने पास यहाँ पर हो गया. ये अपने पास नीचे क्या है, दिस इज ये हम लोग के पास एग्जॉन होगा, जो कि टर्मिनली नीचे कैसे होगा, ब्रांच्ड होगा, और टर्मिनेट किसके अंदर होगा, सिनेप्टिक नॉब में टर्मिनेट होगा, सिनेप्टिक नॉब में टर्मिनेट होगा. डन डन, सभी लोगों को न्यूरॉन याद हो गए. क्या मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ यार, क्या अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, फटाफट से बोलो. अति सुंदर, ओके जी. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एग्जॉन एंड डेंड्राइट्स, न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. कितने एग्जॉन्स होंगे, कितने डेंड्राइट्स होंगे, उसके बेसिस पे न्यूरॉन्स तीन तरीके के होते हैं. तीन तरीके के होते हैं क्या, नंबर वन इज मल्टीपोलर. मल्टीपोलर का मतलब क्या होगा, एग्जॉन तो एक है लेकिन टू और मोर डेंड्राइट्स हैं, वो हो गए मल्टीपोलर. देखो याद करवा के, याद करवाती जाऊंगी, सुनते जाना. दूसरा अपने पास है बाईपोलर. बाईपोलर का मतलब इधर एक टांग, इधर एक अपने पास ऊपर एक डेंड्राइट, एक एग्जॉन. और तीसरा अपने पास क्या है, यूनिपोलर. यूनिपोलर का मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एग्जॉन है. अब कुछ लोगों को ये बिल्कुल जिंदगी में कभी याद नहीं होते, जिंदगी में कभी याद नहीं होते, मल्टीपोलर क्या था, बाईपोलर क्या था, यूनिपोलर क्या था. एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, बिना बालों के काम चल सकता है लेकिन बिना टांगों के काम चलेगा क्या? बिना बालों के काम चल जाता है पर क्या बिना टांगों के काम चलेगा? बिना टांगों के काम नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना बिना टांगों के काम. बिना टांगों के अगर काम नहीं चलेगा, इसका मतलब सिर्फ एक एग्जॉन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए. कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, सिर्फ एक एग्जॉन होगा या सिर्फ एक डेंड्राइट होगा. तो बिना बालों के तो काम चल जाएगा पर बिना एग्जॉन टांगों के काम नहीं चलेगा. तो इसलिए एक एग्जॉन होना चाहिए, सेल बॉडी होनी चाहिए. ये अपने पास क्या हो गया, यूनिपोलर. दूसरा क्या है, बाईपोलर. बाईपोलर के अंदर क्या है, अपने पास ऊपर भी नीचे भी एक एग्जॉन भी, एक डेंड्राइट भी. एक एग्जॉन भी है, एक डेंड्राइट भी है. और मल्टीपोलर अपने पास क्या है, मल्टीपोलर. अब मल्टीपोलर टांगे तो मल्टीपोलर हो नहीं सकती, टांगे तो 50 हो नहीं सकती, तो एग्जॉन तो अपने पास एक ही बनाएंगे, एग्जॉन तो अपन एक ही बनाएंगे, लेकिन
डेंड्राइट्स अपने पास क्या होंगे? दो या दो से ज़्यादा अपने पास यहाँ पर होंगे, दो या दो से ज़्यादा अपने पास होंगे। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ मल्टीपोलर हुई, टांगे तो मल्टीपोलर हो नहीं सकती, तो इसका मतलब कौन होंगे मल्टीपोलर के अंदर? दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स। यार थोड़ा बहुत लैग होगा, आई लिटरली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है? तो बार बार लैग करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में जितने में कर पा रहे हो कर लो यार, ठीक है? प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट क्या करो, अब इतना ही वो है तो अब क्या कर सकते हैं? अब मैं तुम लोग को यहाँ पे बैठ जाऊँ, तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने लग जाऊँ, ओह अच्छा लैग हो रहा है, अच्छा लैग हो रहा है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? बीच में एक दो आवाज़ कट जाती है, तो इतना तो तुम भी पढ़े लिखे हो, बच्चे थोड़ी ना हो कि तुम लोग को एक भी चीज़ समझ ही नहीं आएगी, सब समझ में आता है, बीच में हल्का सा अगर चीज़ कट भी हो जाती है तो इसमें कॉपरेट किया करो, इसमें इतना वो लैग 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 के रोने मत रोया करो, यू आर नॉट एक साल का बच्चा, ठीक है? तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास मल्टीपोलर, बाईपोलर एंड यूनिपोलर तीनों चीज़ों को याद करना मैंने समझा दिया। अब याद कैसे नहीं होता कि इसके एग्जांपल क्या क्या थे? मल्टीपोलर, मल्टीपोलर के अंदर बहुत ज़्यादा मुझे काम करने हैं, दिमाग के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस इधर से आ रही होती हैं, उधर से आ रही होती हैं, उधर से आ रही होती हैं। इसका मतलब मल्टीपोलर कहाँ पर मिलेगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा। दूसरा अपने पास क्या होता है? बाईपोलर, बाईपोलर के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा? इधर से आया, ठीक है, इधर से आया, उधर से निकल गया, तो आँख को इधर से क्या मिल रही है? रोशनी मिल रही है, पीछे से वो कहीं और भेज रहा है, इसका मतलब एक तरफ से रिसीव कर रहा है, दूसरी तरफ से आगे भेज रहा है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? बाईपोलर, ये होगा रेटिना ऑफ आई के अंदर। और यूनिपोलर अपने पास कहाँ होता है? यूनिपोलर जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, सिर्फ मम्मी का ही मांग मांग के खा जाते थे, खुद जिंदगी में कुछ नहीं करते थे, खुद कुछ थोड़ी ना बनाते थे तुम लोग जिंदगी में कभी भी, क्या करते थे? माँ का मांग मांग के खाते रहते थे, भुक्कड़ गई के, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर यूनिपोलर था, कहीं इंस्ट्रक्शन तुम्हें अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन तो भिजवाने की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, तुम खुद ही उठा के खा जाते थे बस, ठीक है? दूसरा बाईपोलर, मल्टीपोलर, तीनों की तीनों चीजें मैंने याद करवा दी। जनरली टीचर्स क्या करते, आपको बोलते यार मल्टीपोलर का मतलब होता है दो से ज्यादा डेंड्राइट्स, एक एक्सॉन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है? बाईपोलर का आपके पास क्या बोलेंगे? एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट और रेटिना ऑफ आई उसका एग्जांपल। यूनिपोलर, सेल बॉडी और एक एक्सॉन, एम्ब्रियोनिक स्टेज उसका एग्जांपल। और इतना बोल के आप लोग को ख़त्म कर देते, ये चैप्टर ख़त्म करवा दिया जाता, ठीक है? तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया, याद हो गया हमें, ठीक है? चलो, तो एक और टाइप है एक्सॉन जो है उसका पूछ रहे हैं। एक्सॉन किस किस के टाइप अपने पास होते हैं, एक्सॉन अपने पास कितने टाइप के होते हैं? देखो, एक होता है अपने पास माइलिनेटेड, दूसरा क्या होता है? अनमाइलिनेटेड। अब कुछ लड़कियां क्या करती हैं, कुछ लड़कियां अपने पास वहां पर माइलिन शीथ, मतलब नीचे जीन्स पहन के घूमती हैं, कुछ क्या पहन के घूमती हैं, जीन्स पहन के घूमती हैं। तो फाइबर्स आर एनवलप्ड विद स्क्वान सेल्स टू फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। अगर एक्सॉन के साइड में माइलिन शीथ बन रही है, मतलब क्या है, माइलिनेटेड है। फाइबर इज एनक्लोज्ड बाय स्क्वान सेल्स दैट डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन, उसको क्या कहेंगे, अनमाइलिनेटेड। एक बात बताओ, मैं जीन्स मैंने पहन रखी है, मैंने क्या पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है, ठीक है, मैंने जीन्स पहन रखी है, तो अब मैं अगर बिल्कुल ऐसे आराम से जीन्स यहाँ पर पहन के जाऊंगी, तो तुम लोग एक बात खुद मुझे बताओ, वहां पे हमें क्या कहेंगे, बिल्कुल ऐसी मैंने जीन्स, कवर्ड जीन्स पहन रखी है, सब क्या कहेंगे, बिल्कुल मस्त इसने जीन्स पहन रखी है, कवर्ड पहन रखी है, वो जो है ना, कुछ टिपिकल मंत्री कमेंट करते हैं जो कि रग्ड जीन्स पहनते हैं, तो वो अपने घर में संस्कार नहीं दे पाएंगी, तो अब उनको क्या लगता है, जब मैं ऐसी जीन्स बिना रग्ड जीन्स पहन के जाऊंगी, तो वहां पे उनको लगता है कि मैंने माइलिनेटेड शीथ पहनी है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैं बिना जीन्स पहने जाऊंगी, जीन्स तो पहन के जाऊंगी, इसका मतलब जीन्स एक्सॉन को इसमें भी पहनवानी है और जीन्स एक्सॉन को अनमाइलिनेटेड में भी पहनवानी है, दोनों के अंदर पहनवानी है। इसमें भी क्या बनवाई अपने पास, स्क्वान सेल्स ने यहां भी कवर कर रखा था और स्क्वान सेल्स ने यहां पे भी कवर कर रखा था, लेकिन इस केस के अंदर तो एक शीत
शीथ बना रखी थी, लेकिन इस वाले केस के अंदर शीथ जो है वो नहीं बना रखी। ये देखो, ये नहीं बना रखी शीथ, दिख रहा है तुम लोगों को? ये यहाँ पे शीथ नहीं बनी हुई है, लेकिन जीन्स तो पहन रखी है ना, जीन्स तो पहन रखी है, हो गया हम लोग को याद। तो ये क्या है? दिस इज माइलिनेटेड स्क्वान सेल। देखो स्क्वान सेल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये स्क्वान सेल इधर भी प्रेजेंट है, स्क्वान सेल्स इधर भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या बन चुकी है, यहाँ पे बढ़िया मस्त एकदम माइलिनेटेड शीथ बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक मस्त माइलिनेटेड शीथ नहीं बनी। इसका मतलब माइलिनेटेड में भी एग्जॉन में अपने पास स्क्वान सेल्स होते हैं, अनमाइलिनेटेड में भी अपने पास स्क्वान सेल्स होते हैं, लेकिन इस केस के अंदर अपने पास माइलिन शीथ बन जाती है और इस केस के अंदर एग्जॉन के साइड में माइलिन शीथ नहीं बन पाती है, माइलिन शीथ नहीं बन पाती है। गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ, उसको क्या बोला जाएगा? नोड्स ऑफ रेनवियर। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास? दिस इज नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, जो कि कहाँ पर मिलता है? स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के अंदर। और ये अपने को कहाँ पर मिलेगा? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में। तो माइलिन शीथ जो कवरिंग करवा रखी है हमने, वो अपन ने कहाँ करवा रखी है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पोर्शन है उसके अंदर अपन ने उनको तो बिल्कुल छुपा के रख रखा है, अपने ब्रेन को तो कोई देख ही ना पाए जिंदगी में हमारे ब्रेन को, तो माइलिनेटेड करके रखा है उसने। और दूसरा क्या है अपने पास? अनमाइलिनेटेड। अनमाइलिनेटेड वाले अपने पास क्या हो गया यहाँ पे? मैं ना शॉर्ट्स पहन के बैठती हूँ, बेशरम इंसानों, तुम्हारे लिए ना मैंने जीन्स पहन के बैठी हूँ, पाप लगेंगे तुमको इसके बाद भी अगर तुम लोगों को याद नहीं हुआ तो। मैं हमेशा शॉर्ट्स पहने रहती हूँ घर पे, बस ऊपर ऊपर टॉप चेंज करके बैठ जाती हूँ, ठीक है, तो इसीलिए पाप लगेगा, याद कर लो चुपचाप इसको। एक हो गया माइलिनेटेड, दूसरा हो गया अनमाइलिनेटेड। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैं अब नहीं बनवा सकती, डन। आज मैं पूरा सज धज के आई हूँ, ठीक है, गहराई समझो तुम लोग। चलो जी, ये हो गया हम लोगों के पास माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड, डन जी, हो गया याद। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए, आयन चैनल आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। अब क्या करना है? अब मुझे जेनरेशन करना है और कंडक्शन करवाना है नर्व इम्पल्स का। देखो अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, ये हम लोग की नर्व इम्पल्स है, ये क्या हुआ, फ़ोन गिरने की नर्व इम्पल्स। अब ये क्या करेगी, ये कैसे जनरेट होती है? मैंने तो कह दिया कि ये जैसे ही ऐसे गिरी, गिरने के बाद क्या होगा अपने पास, ऐसे हमने डिटेक्ट किया, रिसीव किया, ट्रांसमिट अपन ने किया, ठीक है, ट्रांसमिट किया अपन ने, तो यहाँ पे अपने पास क्या है? स्ट्रगल तो बहुत है यार मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। देखो तो अपन का ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, ये होती कैसे हैं? देखो, आयन चैनल आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। अलग अलग आयन्स के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल वो होता है जो अपने पास आयन के चैनल हैं। इसका मतलब कुछ आयन्स की वजह से अपने पास क्या होने वाला है, हर चीज़ इधर उधर जाने वाली है हम लोग के पास। तो आयन चैनल आर प्रेजेंट इन न्यूरल मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। अलग अलग आयन्स के लिए सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। देखो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज में है, तो उस टाइम पे अपने पास एक्सोनल मेम्ब्रेन के आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है और Na आयन को क्या कर रही है, ना तेरे को नहीं जाने दूंगी। Na आयन को क्या कर रही है, जब रेस्ट कर रही है, रेस्ट कर रही है, रेस्ट कर रही है अपना, के तो क्या कर रहा है, के तो मस्त जा रहा है, और Na को क्या कर रही है, ना नहीं जाने दूंगी, ना नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने देगी। तो ठीक है भाई, एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पर क्या कह रही है, दैट इज मोर परमिएबल टू के प्लस आयन, लेकिन अपने पास दैट इज इम्परमिएबल टू Na प्लस आयन। Na प्लस आयन के लिए अपने पास क्या है, वो इम्परमिएबल है, ना बहन तुझे नहीं जाने दूंगी, ठीक है जी। तो आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। अब जब बहन कह रही है अंदर नहीं जाने दूंगी, तो अपने को धक्के मार मार के भिजवाना पड़ेगा, धक्के मार मार के अपने को भिजवाना पड़ेगा,
ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने को यूज करना पड़ेगा, आयंस सोडियम और पोटेशियम पंप हम लोगों के पास यहाँ पर होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज तो बाहर बना देगा और अंदर क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। अब जो ये अपने पास क्या कर रही है, ठीक है, जब ये अपने पास क्या कर रही है, अपने पास ये कह रही है ना नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव इंसान है, सीधी सी बात है, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अरे क्या जाने दे बेचारे, एने को भी जाने दे बेचारे को। तो अपने पास क्या हो गया, इसका मतलब उसके अंदर, अंदर से वो एकदम खोखली, एकदम नेगेटिव इंसान है, तो अंदर उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और बाहर से क्या बन के दिखाती है, बाहर से पॉजिटिव बन के दिखाती है कि पोटेशियम को तो मैं जाने दे रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर बाहर क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड में प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज इनसाइड में प्रेजेंट है। अब इस पेज को दोबारा से देखो तो जेनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का जेनरेशन करते हैं और कंडक्शन अपन करते हैं। आयन चैनल क्या होते हैं, न्यूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है। अब ये क्या करती है, Na को तो क्या करने देती है, सॉरी के को तो क्या करने देती है, पास होने देती है, उसके लिए तो क्या होती है, परमिएबल। Na को क्या कहती है, ना, Na को क्या कहती है, ना, इसका मतलब एक आयनिक ग्रेडियंट हम लोगों के पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे बनता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बनता है। किसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम एंड पोटेशियम पंप की वजह से, सोडियम एंड पोटेशियम पंप। ये क्या करेगा, अंदर से वो एकदम खोखली है, खोखली है तो नेगेटिव चार्ज इनर साइड में एंड पॉजिटिव चार्ज बाहर की साइड में। क्या इतना सभी लोगों को समझ में आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसने क्या कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज इसने बाहर की तरफ एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है। ये अपने पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग के पास है। अब अपने पास क्या है, वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप हम लोगों के पास यहां पर है। ये हम लोग क्या करेंगे वहां पे, अपने पास वहां पे एक्टिव होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने पास यहां पर होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने पास यहाँ पर होगा। सोडियम अपने पास क्या कर रहा है, यहाँ पर अंदर की तरफ एंट्री मार रहा है, सोडियम अपने पास अंदर की तरफ एंट्री मार रहा है। क्या अपने पास यहाँ पे सोडियम ने अंदर एंट्री मार ली, हाँ जी बिल्कुल मार ली। अब ये पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव चार्ज एस्टेब्लिश हो गया, हमने धक्के से उसको, वैसे तो वो कैसी इंसान है, वैसे तो अंदर से वो खोखली इंसान है, लेकिन हमने उसको धक्के से कहा पॉजिटिव, हमने उसको बनवाया। क्या करेंगे, उसकी पूरी बॉडी में इस चीज़ को भेजते जाएंगे, इस चीज़ को भेजते जाएंगे, भेजते जाएंगे, भेजते जाएंगे, उसको क्या करते जाएंगे, भेजते जा रहे हैं, उसके अंदर पॉजिटिविटी भेजते जा, वैसे वो क्या थी, वैसे वो अंदर से नेगेटिव थी, बाहर से क्या थी, बाहर से पॉजिटिव थी, बाहर से पॉजिटिव थी। अपन ने क्या किया, अपन ने उसके अंदर उसको धक्के से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, सोडियम पोटेशियम पंप से, उसको अंदर हमने जितनी वो खोखली थी उसको पॉजिटिव बनवाया। और ये क्या होता जाएगा, ये चीज़ आगे ये जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब अपने पास ये मेम्ब्रेन रेस्ट कर रही थी उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट था, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्ट करते टाइम जो पोटेंशियल प्रेजेंट है उसका नाम क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल। उसको क्या कहेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट एक्टिव साइट ए, अब हमने क्या किया, इस एक्टिव साइट ए के ऊपर स्टिमुलस लगा दिया, स्टिमुलस लगा दिया, मेम्ब्रेन बिकेम परमिएबल टू Na प्लस आयन। पहले अपने Na प्लस आयन को ये अंदर नहीं जाने दे रही थी, अब ये क्या करेगी, अब ये अपने Na को अंदर जाने देगी और रैपिड इनफ्लक्स होगा, एकदम से Na क्या करेंगे, अंदर भागेंगे, आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अंदर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे अपन, एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स। अब देखो मैं इसको दोबारा से सम अप करके कैसे तुम लोगों को समझाती हूं। सबसे पहली कंडीशन अपने पास क्या थी, हम लोगों की जो ये मेम्ब्रेन थी ये कर रही थी रेस्ट, ये क्या कर रही थी, रेस्ट। अपने पास अंदर कैसी थी ये, सॉरी, अंदर हम लोग के पास ये एकदम
खोखली थी, अंदर से ये थी नेगेटिव, बाहर से ये क्या थी, बाहर से थी ये पॉजिटिव, बाहर से पॉजिटिव थी अंदर से ये खोखली थी। क्या कर रही थी? एने को कह रही थी ना तुझे नहीं जाने दूंगी, तुझे नहीं जाने दूंगी। के को क्या कहती है अपने पास, चल तेरे लिए मैं परमिएबल हूँ। ये के को जाने देती थी पर एन ए को जाने नहीं देती थी। रेस्टिंग कंडीशन थी उस टाइम पर भी एक पोटेंशियल प्रेजेंट था। उस पोटेंशियल को मैं क्या कहूँगी, उस पोटेंशियल को मैं कहूँगी रेस्टिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या बोलूँगी, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलूँगी। उसके बाद दूसरा अपने पास क्या आया, अब हमने कहा अब हम धक्के से कुछ ना कुछ करवाएंगे। अब हम लोग ए पॉइंट के ऊपर कोई स्टिमुलस आया, मान लो यहाँ पर कुछ स्टिमुलस आया, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी अभी तक तो एन ए को वो, अब देखो ये क्या है, ये है मेरा रेस्टिंग पोटेंशियल। मेरा हाथ क्या कर रहा है, मस्त एकदम रेस्ट कर रहा है। एन ए को ये परमिएबल एन ए के लिए नहीं है, यहाँ पर ये के लिए परमिएबल है। एन ए के लिए परमिएबल नहीं है, के लिए परमिएबल है। अंदर से ये खोखली है, अंदर इसके नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और बाहर इसके क्या प्रेजेंट है, बाहर इसके पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अभी भी लेकिन पोटेंशियल तो है, तो इस केस में जो पोटेंशियल है दैट इज टर्म्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। अब क्या करा, अब मैंने यहां पर लगाया एक स्टिमुलस। अब क्या किया, देखो जैसे ही मैंने यहां स्टिमुलस लगाया अब क्या होगा, अब एकदम से इस ए पॉइंट पे जैसे ही स्टिमुलस लगाऊंगी एनए क्या करेंगे, एनए भागेंगे अंदर की तरफ। अपने पास अंदर से हम कैसे थे, नेगेटिव थे, लेकिन एनए क्या होते हैं, एनए पॉजिटिव। अब वो क्या कर देंगे, अंदर पॉजिटिव कर देंगे, बाहर कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, बाहर हम लोग को लगेगा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, ये चीज़ ट्रांसपोर्ट होती जाएगी और एट लास्ट कहाँ तक पहुँच जाएगी, एट लास्ट मेरे ब्रेन तक पहुँचवा दी जाएगी। दैट्स इट, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अपने पास क्या था, जब वो रेस्ट कर रही थी तो था रेस्टिंग पोटेंशियल। उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पर इम्पल्स मैंने लगाया उस टाइम पर एक एक्शन वहाँ पर हुआ, एक्शन पोटेंशियल, और एक नर्व इम्पल्स मेरे पास वहाँ पर हो गई एने के लिए, रैपिड एने का इन्फ्लक्स वहाँ पर हुआ, एने का रैपिड इन्फ्लक्स वहाँ पर हुआ। क्या सभी लोगों को समझ में आया? तो नर्व इम्पल्स फ्रॉम ए वो कहाँ पर जाएगी, अपने पास यहाँ पे ए से बी की तरफ अपने पास यहां पर जाएगी। ये अपने पास क्या हो गया, ए, ये हम लोग के पास क्या है, ए। तो ए क्या हो गया, ए मूव्स टू बी, इंपल्स फ्रॉम ए से बी की तरफ जाएगी और इनर सरफेस के अंदर बी से इनर सरफेस में और आउटर सरफेस में बी से ए की तरफ। अब देखो तुम खुद बताओ अंदर वाले सरफेस में ए से बी की तरफ अंदर हम पॉजिटिव बनवाते जा रहे हैं, अंदर पॉजिटिव बनवाते जा रहे हैं, 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 मतलब ए से बी की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो साफ साफ तुम लोग को दिख रहा है, अपना यहाँ सब नेगेटिव बन गया था, ये पॉजिटिव इधर हम भेजते जा रहे हैं, बाहर की तरफ क्या होगा, बाहर की तरफ बी से ए की तरफ, अंदर क्या होगा, ए से बी की तरफ। ये मैंने पूरा का पूरा इंपल्स आप लोगों को समझा दिया। प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स टू ट्रांसमिट द इंपल्स। इसी तरीके से अपनी जो इंपल्स है वो जाती जाती है। एक बार सुनो फिर से देखो। अब सुनो, मेरे पास क्या है अपने पास, ये देखो, मेरी आराम से मैं बैठी हुई थी, एकदम मैं आराम से बैठी हुई थी, ये मैं आराम से बैठी हुई हूँ, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं है। अभी क्या है, इस कंडीशन के अंदर सब चीज़ें क्या कर रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं अपने पास रेस्ट। क्या कर रही हैं सभी चीज़ें, इस डायग्राम से समझेंगे। सभी के सभी चीज़ें मेरी क्या कर रही हैं, एकदम मस्त रेस्ट कर रही हैं। अगर एकदम मस्त रेस्ट कर रही हैं तो अपने पास यहाँ पर क्या है, अपने पास अंदर क्या है, अंदर से हम खोखले हैं, नेगेटिव हैं, बाहर से हम कैसे हैं, बाहर से हम पॉजिटिव हैं। एन ए का इन्फ्लक्स हम नहीं, उसके लिए परमिएबल हम नहीं हैं, के लिए परमिएबल हम हैं। तो इसके बाद भी अपने पास यहाँ पर एक पोटेंशियल प्रेजेंट है और इसके अंदर अपने पास क्या हो गया, क्या इस पोटेंशियल को मैं रेस्टिंग पोटेंशियल कहूंगी, क्या मैं इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहूंगी। उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने यहां पर लगाया एक स्टिमुलस। जैसे ही मैंने यहां पर स्टिमुलस लगाते ही एन ए
जो इम्परमिएबल था उसने क्या करना स्टार्ट किया, अंदर एंट्री मारनी स्टार्ट कर दी। अंदर एंट्री जैसे ही उसने मारी, वो इतना ज़्यादा खुद पॉजिटिव 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 है, तो वो क्या कर दिया, उसने अपनी जो अंदर की मेम्ब्रेन नेगेटिव थी उस मेम्ब्रेन को क्या बनवा दिया, पॉजिटिव बनवा दिया। बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बनवा दिया, बाहर की मेम्ब्रेन को उसने बनवा दिया नेगेटिव। अब ये अपने पास ये पॉजिटिव आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, मतलब ए से बी की तरफ जाएगा इनर सरफेस में। और ये क्या करेगा, ये अपने पास असल में देखा जाए तो ये नेगेटिव आगे बढ़ रहा है, पर हमें दिखने में क्या लगेगा कि ये पॉजिटिव इधर की तरफ जा रहा है। सुनो सुनो मैंने क्या बोला, बाहर की तरफ मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनना, असल में ये नेगेटिव आगे जाता जा रहा है क्योंकि एनए की वजह से नेगेटिव आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें क्या लगेंगे, हमें क्या लगेगा अपने पास, हमें लगेगा कि ये पॉजिटिव इधर जा रहा है। इसीलिए हमने क्या बोला, इसीलिए हमने बोला कि जो बाहर की मेम्ब्रेन अपने पास है उसके अंदर बी से ए की तरफ जा रहा है और अंदर की मेम्ब्रेन में ए से बी की तरफ जा रहा है। ऐसे क्या करेगा, ऐसे ये पूरा अंदर तक पहुँच जाएगा और अपने पास वहाँ पर क्या होगा, फिर नेक्स्ट में पहुँचेगा, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में, और मेरे ब्रेन सिग्नल पहुंचवा देगा। ये क्या हो गया, इंपल्स मेरी मैंने पहुंचवा दी। तो अ नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। ये जो ये इंपल्स के बारे में बताया, ये जो मैं बता रही हूं, ये तो किसके अंदर बता रही हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जॉन में बता रही हूँ। किस में बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जॉन में। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, ब्रेन तक एक ही न्यूरॉन है क्या मेरे पास, ब्रेन तक तो लाखों न्यूरॉन है, ब्रेन तक तो क्या है अपने पास, लाखों न्यूरॉन है। अगर लाखों न्यूरॉन है तो आपस में ये क्या है, जुड़े हुए हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक जुड़ाव अपने पास होता है, जोड़ अपने पास होता है, एक सिनेप्स अपने पास यहाँ पर होता है। एक सिनेप्स हम लोग के पास है, तो द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड एज सिनेप्स। उस जंक्शन को, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन है, उसको कहते हैं सिनेप्स। इससे क्या करता जाएगा, इससे इधर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ठीक है। तो अपने पास फॉर्म्ड बाय ये सिनेप्स बनता कैसे है, मैंने जो बोला ये अपने पास एक न्यूरॉन था, ये अपने पास दूसरा न्यूरॉन था, इन दोनों के बीच में क्या बना है, इन दोनों के बीच में बना है एक सिनेप्स। ये सिनेप्स कैसे बनता होगा बताओ, फॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन ऑफ, इससे पहले का मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड इससे बाद का मतलब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और उन दोनों के बीच में क्या है, एक गैप है, उसको क्या कहेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उनको क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया यार, हम लोगों के पास यहाँ पर ये दो डब्बे अपने पास हैं, ये है न्यूरॉन नंबर वन, न्यूरॉन नंबर टू, इन दोनों के बीच में अपने पास क्या प्रेजेंट है, एक सिनेप्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है, इससे पहले जो प्रेजेंट है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसके बाद जो प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच में जो अपने पास गैप प्रेजेंट है दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। वो क्या हो गया हम लोगों के पास, यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। ऐसे हम लोगों के पास सिनेप्स बनता है, ऐसे क्या होता है, सिनेप्स हम लोगों के पास बनता है। डायग्राम आप देख लो, ये क्या था, दिस वॉज माई एग्जॉन, ये एग्जॉन का क्या है, एग्जॉन का टर्मिनल पोर्शन मेरे पास यहाँ पर है, टर्मिनल पोर्शन अपने पास है, एग्जॉन है ये मेरा, एग्जॉन का टर्मिनल पोर्शन है, ठीक है जी। तो ये क्या है, देखो सबसे पहले सिनेप्स बताया है मैंने कैसे बनेगा, ये अपना है न्यूरॉन नंबर टू, न्यूरॉन नंबर टू मतलब बाद वाले के का जो वो होगा उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, बाद वाले को क्या कहेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पहले वाले न्यूरॉन की जो एंडिंग अपने पास है उसको क्या कहेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में अपने पास क्या हो गया, बीच में हम लोगों के पास यहाँ पर हो गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट।
बीच में क्या हो गया हम लोग के पास, यहाँ पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये देखो यहाँ पर प्रेजेंट है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीन चीजों ने मिलकर क्या बनाया है, सिनेप्स। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास क्या है, दिस इज वन, दिस इज टू, और इन दोनों के बीच में ये है न्यूरॉन नंबर वन, ये है न्यूरॉन नंबर टू। अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, न्यूरॉन नंबर वन का, इसका क्या हो गया यहाँ पे प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, और इन दोनों के बीच में एक जो गैप है दैट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो अपने पास क्या हो गया, दिस इज सिनेप्स। यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब तुमने कहा कि सिनेप्स पे कौन कौन से टाइप के सिनेप्स अपने पास यहाँ पर होते हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, अनदर वन इज केमिकल सिनेप्स। एक क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है केमिकल, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपने पास अगर केमिकल वहाँ पर प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पर बीच में मैं कुछ ना कुछ सब्सटेंस भरने की जगह मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होगी, कोई ना कोई बीच में सब्सटेंस यहाँ पर भरने की जगह अपने पास प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब केमिकल सिनेप्स के अंदर क्या होता है, एक केमिकल हम उन दोनों के बीच में प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में एक केमिकल वहां पर भर सकते हैं। तो मेम्ब्रेन जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक की है उनके बीच में जगह प्रेजेंट मिलेगी तुम लोगों को, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ हम लोग वहां पर भर सकते हैं, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई केमिकल इन्वॉल्व होता है, और उस केमिकल का नाम क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, जो न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट करवाएगा उसको क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। एक्सॉन के टर्मिनल में वेसिकल्स होते हैं जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर से भरे हुए होते हैं। ये रहे अपने अपने पास यहाँ पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूरो ट्रांसमीटर से भरे हुए हैं। तो दो चीज़ें अपने पास हो गई, क्या क्या दो चीज़ें अपने पास हो गई, वन इज केमिकल सिनेप्स, अनदर वन इज वॉट, अनदर वन इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। अब दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक शॉक देना है, शॉक कब दे पाऊंगी, जब अपन यहां पर टच में होंगे तभी तो दे पाऊंगी, बीच में अगर कोई ना कोई सब्सटेंस भरा हुआ होगा तो क्या इलेक्ट्रिक शॉक दे पाऊंगी, कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे पाऊंगी। तो जो मेम्ब्रेन है प्री सिनेप्टिक की और पोस्ट सिनेप्टिक की, दोज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, करंट क्या करेगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जाएगा, और केमिकल से ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि रास्ता अपना छोटा हो गया, रास्ता अपना छोटा हो गया, केमिकल अपने को रिलीज करवाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एकदम से अपने पास मस्त करंट हम लोगों को लगेगा। तो दो तरीके के सिनेप्स अपने पास होते हैं, कौन कौन से दो तरीके के सिनेप्स, रिवाइज करते हैं फटाफट से, कौन कौन से दो तरीके के सिनेप्स अपने पास होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कब लगेगी हम लोगों को, इलेक्ट्रिक अपने पास यहाँ पर क्या होगा, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा पास हैं, करंट क्या कर रहा है, डायरेक्टली फ्लो कर रहा है और बहुत ही ज्यादा ये फास्ट है। केमिकल वाले केस के अंदर अपने पास क्या है, यहाँ पे काफी कुछ केमिकल अपना भरा हुआ है, अगर केमिकल अपने पास यहाँ पे भरा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर एक सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, फटाफट से बता दो, क्या सभी लोगों को इतना याद हो गया, क्या सभी लोगों को इतना याद हो गया, तुम इमेजिन कर पा रहे हो, एक एक चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, अभी तक सब चीजें नजर आ रही हैं तुम लोगों को, सब चीजें नजर आ रही हैं, डन, चलो एके जैन खुद भी पढ़ लिया करो, ठीक है एके जैन, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग, ठीक है जी आगे करें। इतना आ गया सभी लोगों को समझ में, चलो यार ग्रेट, ठीक है। तो देखो अब अपने पास सबसे पहले क्या हुआ, ये था मेरा एग्जॉन नंबर वन, इधर ही बनाते हैं,
ये था मेरा एग्जॉन नंबर वन, ये था मेरा एग्जॉन नंबर टू, ठीक है, एग्जॉन नंबर वन और एग्जॉन नंबर टू. देखो सबसे पहले अपने पास क्या हुआ, इम्पल्स अराइव एट एग्जॉन टर्मिनल. एग्जॉन के टर्मिनल पर इम्पल्स आई, एग्जॉन के टर्मिनल पर इम्पल्स आई, चलो जी आ गई, एग्जॉन के टर्मिनल पर आ गई. अब यहाँ पर क्या हुआ, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने पास थे वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन की तरफ मूव करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे और न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे अपने पास क्या प्रेजेंट थे, दिस वॉज एग्जॉन नंबर वन, दिस वॉज एग्जॉन नंबर टू, दिस वॉज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. अब यहाँ पर क्या होगा देखते जाओ फटाफट से. सबसे पहले यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने क्या करेंगे, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे, किसके अंदर, इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज कर दिया. अब क्या करेगा, अब हम लोगों के पास यहाँ पे जितने भी अपना आयन चैनल्स अपने पास यहाँ पर हैं उनसे ये क्या कर जाएंगे, उनसे जाकर ये बाइंड करेंगे, उनको कहेंगे नॉक 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 अपने पास कहेंगे. तो उस केस के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, नॉक नॉक कहते ही अपन क्या कहेंगे, कौन है भाई, अब अपन दरवाजा खोलेंगे. चलो दरवाजा खोलते हैं, ओपन आयन चैनल्स, आयन चैनल्स को अब हम लोग यहाँ पे खोल देंगे. चलो ठीक है जी, आयन चैनल्स को खोल देते हैं, आयन चैनल्स को खोल दिया. चलो अब देखो आगे, आयन चैनल्स खोल दिया, आयन चैनल खुल गए तो उसकी वजह से अपने पास यहाँ पर क्या होगा, जनरेट अ न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर क्या हो जाएगा, एक नया पोटेंशियल जनरेट होगा, एक्साइटेटरी हो सकता है या इनहिबिटरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स इट. देखो अपने पास क्या था, ये था मेरा न्यूरॉन नंबर वन, ये क्या था, दिस वॉज माई न्यूरॉन नंबर टू. क्या हुआ अपने पास यहाँ पर, हम लोगों के पास यहाँ पर आया एक स्टिमुलस, स्टिमुलस अपने पास यहाँ पर पहुँचा, पहुँचने के बाद क्या होगा, पहुँचने के बाद अपने पास यहाँ पर क्या निकला, अपने पास यहाँ पर क्या निकला, ठीक है, अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों के पास देखो यहाँ पे हम लोगों के पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए, किसके अंदर, किसके अंदर, अपने पास यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अपने पास पहुँच गए, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, एक नया पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा नए नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर, वो इसको एक्साइट भी कर सकता है, इसको इनहिबिट भी कर सकता है, एक्साइट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, दैट्स इट, दैट्स इट, समझ गए, डन, डन और नॉट, क्या इतना आ गया सभी लोगों को समझ में, चलो नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना ब्रेन से बना होता है, जो कि हमारा कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है, सीपीयू होता है हमारी बॉडी का, दिस इज सीपीयू ऑफ माय बॉडी दैट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द स्कल. ये मेरा जो खोपड़ी है इसके अंदर इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, इसके ऊपर कवरिंग होती है. अब कवरिंग देखना क्या मस्त याद करवाऊंगी तुम लोगों को, एकदम मक्खन कवरिंग याद होगी तुम लोगों को, एकदम मक्खन कवरिंग याद होगी. ठीक है अब देखो, चलो इन स्पैमर्स को, तुम्हें मैंने कल भी समझाया था, स्पैमर्स को भाव मत दिया करो, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों को भौंकने दो, कुत्तों को भौंकने दो, भौंकने दो, भौंकने दो, मस्त भौंकने दो. अरे अपना वॉच टाइम बढ़ता है यार, तुम लोगों को पता है जितना वॉच टाइम मेरे पास होगा ना उतना ही मेरा सब्सक्राइबर जो है वो जल्दी बढ़ेगा, तो उसका तुम लोग मेरा सपोर्ट करने दिया करो उनको. तुम इनको भगा देते हो यार, गालियाँ वालियाँ देगा, ऐसा मत क्या करो यार, आई लिटरली हेट यू गाइस. मैं तुम्हारे लिए इतना बढ़िया, मतलब तुम लोग को पढ़ाती हूँ, इतना जान लगा के पढ़ाती हूँ, तुम हेटर्स को बेचारे जो मेरे लिए यहाँ पे करवाते हैं उनको तुम भगा देते हो यहाँ से, ऐसे मत क्या करो यार. चलो देखो, अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तुम सबको पता है अपनी खोपड़ी के अंदर, इस खोपड़ी में ब्रेन को बचा के हमने रखा है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम अपना है, सीपीयू है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी का सीपीयू है. अब क्या होगा आगे देखिए,
इसकी कवरिंग कौन करेगा? इसकी कवरिंग खोपड़ी है, क्रेनियल, और उसकी कवरिंग क्रेनियल मैनिंग्स। मैन ही करते हैं कवरिंग, तो वुमेन तो नहीं करती ना। देखो यार, अब कुछ यहाँ पे फेक फेमिनिस्ट बैठी होंगी, लड़कियाँ भी आज के टाइम पे इक्वली स्ट्रांग हैं। देखो यार, सच्चाई यही है कि लड़कियाँ कंपैरेटिवली वीक होती हैं और लड़के नहीं, लड़के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो सच्चाई है, मान लेते हैं। चलिए गाइस, तो अपने पास यहाँ पर याद करने के लिए कर लो, याद करने के लिए कर लो। ठीक है, तो क्रेनियल मैनिंग्स, क्रेनियल मैनिंग्स अपने पास यहाँ पर है। तो ठीक है जी, अब क्या क्या होगा? देखो, इसके ऊपर होती हैं तीन कवरिंग। कैसे याद होगा बताऊँ? देखो, कवरिंग है ये, मान लो मेरा ब्रेन, ये मेरा ब्रेन है, ये ब्रेन है, इस पे कवरिंग है क्रेनियल मैनिंग्स। क्रेनियल मैनिंग्स सबसे दूर वाली, मतलब सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, सबसे अंदर वाली पा गया वो मैटर, वो मैटर हम लोग को पा गया, मतलब पाया मैटर। याद हो गया तुम लोग को? सबसे बाहर वाली कौन सी? ड्यूरा, ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन से सबसे दूर तो ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो अपने पास अंदर क्या है? अंदर अपने पास क्या हो गया? पा गया वो मैटर हम लोग को, तो पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, बीच में क्या बचा? बीच में बचा अरेकेनॉइड्स। ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेकेनॉइड्स, तीनों की तीनों लेयर्स याद सभी लोगों को। तीन क्रेनियल मैनिंग, क्रेनियल मैनिंग्स के अंदर तीन चीजें होती हैं, ड्यूरा मैटर, अरेकेनॉइड्स, पाया मैटर। डन एंड डस्टेड हो गया हम लोग को याद। ठीक है जी, तो अपना ये क्या हो गया? अब ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, अब ब्रेन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने किसके बारे में बात की? ब्रेन की बाहर की कवरिंग। ब्रेन की बाहर की कवरिंग का नाम क्या होता है? क्रेनियल मैनिंग्स। उसके अंदर तीन चीज़ें होंगी, जो सबसे बाहर वो दूर पड़ा है वो मैटर ड्यूरा मैटर, अंदर पड़ा है वो मैटर पाया मैटर, और बीच में अपने पास क्या बचा? अरेकेनॉइड्स। हो गया याद। अब देखो, अब करते हैं ब्रेन की बात। एक होता है पाया, का मतलब पा गया, पा गया, हरियाणवी ज्यादा समझ पाएंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है जी, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया? सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपने पास फोर ब्रेन। देखो, अब सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबसे पहले अपने पास क्या है? फोर ब्रेन। दिस इज माय फोर ब्रेन, एंड जिंदगी भर मैं एक भ्रम में रही, सेरिब्रम में रही कि थाली के नीचे हिप्पो है, कुछ भी याद कर लो यार। थैलेमस, थाली के नीचे हिप्पो है। बहुत लेम था, मुझे पता है तुम सब मेरा मजाक उड़ाओगे, बट तुम सबको याद हो गया है, क्योंकि मेरे लेम पे ही तुम लोग को याद आएगा। पेपर में बैठ के तुम लोग को याद आ रहा होगा, ओहो हम लोग जिंदगी भर भ्रम में थे कि हमारी थाली के नीचे हिप्पो है। मत मजाक उड़ाओ यार, मजाक मत उड़ाओ यार, कैसे याद कर लो यार, तुम लोग को याद ही होगा, तुम लोग बहुत समझदार हो। एक क्या होता है अपने पास? अपने को भ्रम होता है, सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, हिपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हम लोग को जिंदगी भर भ्रम था कि हमारी थाली के नीचे हिप्पो है, सेरिब्रम, हम लोग को जिंदगी भर भ्रम था कि हमारी थाली के नीचे हिप्पो है। तो अब भ्रम लेफ्ट साइड भी था, राइट साइड भी था, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और उन दोनों के बीच में अपने पास क्या है? उन दोनों के बीच में है एक केला। इधर भी भ्रम है, इधर भी भ्रम है, बीच में है एक केला, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। केले ने दोनों पोर्शंस को जोड़ दिया, राइट को, लेफ्ट को, कैलो, केला, और उसने क्या कर दिया? उसने कर दिया सम, नर्व फाइबर, कॉर्पस कैलोसम। हो गया तुम लोगों को ये वाला पेज याद। अपने पास क्या है? फोर, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में अपने अपने को है भ्रम, भ्रम में अपने पास क्या हुआ? भ्रम क्या है? हमारी थाली के नीचे है हिप्पो। ठीक है,
तो अपने पास लेफ्ट और राइट, उन दोनों को किसने जोड़ा है? केले ने उन दोनों को, उन दोनों का सम करवाया है, उन दोनों को जोड़ा है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम हो गया तुम लोगों को याद। वो क्या करता है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ता है। तो लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कवर कर रही होंगी उनको क्या कहेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कॉल्ड ग्रे मैटर। क्यों? क्योंकि ग्रेइश अपीयरेंस होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ नर्व फाइबर्स, नर्व फाइबर्स की कंसंट्रेशन की वजह से ग्रेइश अपीयरेंस होता है और इनको क्या बोला जाता है, ग्रे मैटर बोला जाता है कॉर्टेक्स के अंदर। और दूसरा अपने पास क्या होता है, जो वाइट, जो माइलिन शीत से कवर्ड होंगे उनका वाइट अपीयरेंस होता है और उनको बोला जाता है वाइट मैटर, उनको क्या बोला जाता है वाइट मैटर। तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यार तुम लोग को साफ साफ दिख रहा है यार, तुम लोग कितने गंदे से हो यार, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। एक बात बताओ, ऐसा ही नहीं होता है क्या केला? देख लो तुम लोग, ऐसा ही होता है केला, ऐसा ही नहीं हो तो तुम्हारे घर में बता दो मेरे को, नहीं है तो तुम्हारे घर में बता दो, ऐसा ही होता है तुम लोगों का केला। तो इसीलिए कॉर्पस कैलोसम किसको सम करवा रहा है, किस किस का सम करवा रहा है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, इन दोनों का सम करवा रहा है। हो गया तुम लोगों को याद? ठीक है, ओके जी, ओके जी। तो अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, अपना सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कौन सी कवरिंग, देखो मैंने तुम लोग को दो रीजन हमेशा बताती हूँ, एक बताती हूँ कॉर्टेक्स रीजन, एक बताती हूँ मेड्यूला। मेड्यूला अंदर वाला होता है, कॉर्टेक्स बाहर वाला। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के ऊपर कवरिंग कौन बनवा रहा होगा, उसकी कवरिंग बनवा रहा होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और वो कैसा होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है नर्व फाइबर्स की, जिसकी वजह से काड़ू होता है वो, ग्रे 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 अपने पास यहाँ पर होता है। क्या ये सभी लोगों को याद? सबसे पहले मैंने बात की यहाँ पर ब्रेन के बारे में। ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर अपने पास क्या क्या होगा, फोर ब्रेन में होगा, एक तो अपने को भ्रम था कि अपनी थाली के नीचे हिप्पो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, सेरिब्रम, भ्रम अपने पास क्या हुआ, दो पोर्शंस, कौन कौन से दो पोर्शंस, लेफ्ट राइट, दोनों जुड़े हुए हैं, किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, अपने केले ने उनका सम कर रखा है, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद अपने पास क्या हुआ, लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, जो अपने पास कवर करते हैं उनको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि कैसे होते हैं, ग्रे होते हैं, ग्रे होते हैं हम लोगों के पास। और दूसरा, जिनके ऊपर कवरिंग बनवा रखी है। अब एक बात तुम लोग मुझे बताओ, एक बात तुम मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लीला पोथी करके आ जाऊं तो मैं गोरी गोरी दिखनी स्टार्ट हो जाऊंगी, मैं ग्रे क्यों दिखूंगी, मैं काली क्यों दिखूंगी, मैं वाइट दिखनी स्टार्ट हो जाऊंगी। मतलब अगर कुछ कवरिंग करके आ जाऊं अपने ऊपर, तो देखो फाइबर्स आर कवर्ड माइलिन शीथ, तो वो क्या करते हैं, वाइट अपीयरेंस देते हैं। यहाँ पे माइलिन शीथ से अपने पास कवर हो गए, तो उन्होंने, अब मैं यहाँ पे वो क्या होता है, दूध सी सफेदी निर्मा से आई, अच्छा वो तो निर्मा से कपड़ों की आती है, वो फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली अपने पास होता है, वो क्या करता है, वो हम लोग को चमका देता है, मस्त एकदम यू चमके मारते हैं, गोरे गोरे चमके अपन मारते हैं। तो अपने पास वहाँ पे दूध सी सफेदी, माइलिन शीट से आई, ग्रे मैटर भी वाइट 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 हो जाए, ठीक है, सबकी पसंद वाइट मैटर, डन हो गया सभी लोगों को याद। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वाइट मैटर एंड द ग्रे मैटर, ठीक है। हाँ तो मीनाक्षी, मैंने कब मना किया कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के पार्ट नहीं है, मैंने भी तो यही कहा, फोर ब्रेन सेरिब्रम, भ्रम था कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस, मैंने भी वही कहा यार। चलो, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या होता है, जो ये अपने पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स था यार, उसमें क्या क्या होता है, एक होता है मोटर एरिया, एक होता है सेंसरी एरिया, और एक होता है जो ना ही सेंसरी होता ना ही मोटर होता, उसको कहा जाता है एसोसिएशन एरिया। याद करवाऊं याद, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब घर घर की कहानी। मतलब एक तो होता है मोटर, पापा
पापा क्या करते हैं, मोटर वाला एरिया। बाइक का कुछ भी काम करवाना हो पापा से याद करवा लेना, मोटर एरिया। दूसरा अपने पास क्या है, मम्मी मिनटों में हर बात पे रोती है, सेंसरी एरिया। और एक है हम, इतने बड़े हरामी, ना तो हम अपना सेंसरी है, ना ही हम मोटर है, ना तो हमसे बाइक चलाने वाले काम, ना ही हम जिंदगी में कभी किसी की बात पर दर्द हम लोग को होता है। हम हैं एकदम निकम्मे, एकदम निठल्ले बैठे रहते हैं अपन यहाँ पर, एरियाज दैट आर नीदर सेंसरी नॉर मोटर। हमारे घर घर की कहानी, पापा है मोटर एरिया, मम्मी है सेंसरी एरिया, हम हैं ना ही मोटर ना ही सेंसरी, हम हैं दोनों के पापा और मम्मी के एसोसिएशन, एसोसिएशन एरिया। लेकिन कुछ भी मंगवाना हो, जिंदगी भर की सारी मेमोरी, जिंदगी भर की सारी मेमोरी हम ही याद दिलवाते हैं, इंटर सेंसरी एसोसिएशन सेंसेस का, इनके सेंसरी, इनके सेंसरी, सबके सेंसरी एसोसिएशन भी हम ही हैं। मम्मी पापा में लड़ाई हो जाए तो कम्युनिकेशन भी हम ही करवाते हैं, भाई साहब हम ही करवाते हैं जो करवाते हैं। तो घर घर की कहानी क्या हो गई, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कहानी, वही है हमारे घर घर की कहानी, मोटर एरिया सेंसरी एरिया, नीदर मोटर नॉर सेंसरी, वो है एसोसिएशन एरिया, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन और मेमोरी, सारी की सारी चीजें हम लोग ही करवाते हैं। दैट्स इट, दैट्स इट। बचपन में एक बार मैंने गलती से बोल दिया था कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, लेकिन उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे जिंदगी में कुछ भी बनना है बट मुझे न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बनना। यार कितनी गंदी है यार न्यूरोलॉजी, बहुत बेकार है यार, बहुत बेकार है। चलो देखो अब, ठीक है, थैलेमस के बारे में अब बात करते हैं। हमने फोर ब्रेन की सारी बातें खत्म कर दी, सॉरी सेरिब्रम की सारी बातें कर दी हैं, सारे भ्रम हमने जिंदगी के दूर कर लिए हैं। क्या क्या भ्रम थे हम लोगों को, हम लोगों को राइट भ्रम थे, लेफ्ट भ्रम थे, उनके बीच में अपना था केला, कॉर्पस कैलोसम, उसको ऊपर अपन ने कवर कर रखा था कॉर्टेक्स से, जहां पर ग्रे मैटर अपने पास प्रेजेंट था। और कॉर्टेक्स के अंदर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी, अपने घर घर की कहानी, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया। हम लोग क्या क्या करते हैं, इंटर सेंसरी एसोसिएशन करवाते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं, याद करवाते हैं, और नेक्स्ट अपने पास अगर माइलिन शीत से कवर्ड हो तो अपन उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। नेक्स्ट अपने पास है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है यार, सेरिब्रम रैप अराउंड इट, भ्रम, हमें भ्रम था, हम अपनी थाली में जब से देखे जा रहे थे हम इसके तरफ ही, हमें तो भ्रम है ना, सेरिब्रम, सेरिब्रम हमें ही तो भ्रम है ना, भ्रम है तो हम अपनी थाली के चारों ओर लिपटे हुए हैं, क्या करें हम, क्या करें हम, तो सेरिब्रम रैप अराउंड इट, इसके अराउंड क्या करता है, रैप करता है। क्या बनना है दीदी आपको, मुझे वेला बनना है यार, वेला, जिंदगी में जिसको कुछ काम ना करना पड़े, मस्त जिंदगी कटे, वेला बनना है मुझे, बाकी मुझे पता नहीं और मुझे क्या बनना है। चलो तो अपने पास थैलेमस क्या हुआ, थैलेमस हम लोग के पास है सेरिब्रम रैप अराउंड इट, सेरिब्रम उसके चारों ओर रैप करता है, और ये क्या करता है अपने पास, सेंसरी सिग्नल और मोटर सिग्नल, ये अपने पापा और मम्मी थाली से ही तो सब काम चलवा रहे हैं, अपना मोटर एरिया सेंसरी एरिया ये सब काम, सेंसरी एसोसिएशन मोटर एसोसिएशन, एक एक भरपेट थाली मिल रही है तो वो उन्हीं को सिग्नल थाली से ही मिल रहा है। अगर घर में मस्त थाली बन के आ रही है, अगर घर में मस्त अपने पास खाना बन रहा है तो दोनों मस्त छोड़, दोनों मस्त खुश, दोनों मस्त खुश, तो सेंसरी सिग्नलिंग, ठीक है, और दूसरी मोटर सिग्नलिंग, थैलेमस, थैलेमस, और दूसरा नेक्स्ट थैलेमस, सभी लोगों को याद, बहुत आसान है, अपनी थाली ही अपने सेंसरी सिग्नलिंग, फिर शादी कर लो। अरे शादी तो कर लेंगे यार, तुम लोग सोच के देखो एक बार, मतलब मम्मी मोस्टली घर के लोगों के, मोस्टली घरों में मम्मी क्या होती हैं, मम्मी होती हैं हाउसवाइफ, लेकिन सारी प्रॉपर्टी
तकरीबन सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम होती है, जितना भी एटलीस्ट मेरे घर में तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब मेरी माँ के नाम है। और तुम लोग मानो कि पापा की जो सैलरी आती है वो आके मम्मी के हाथ में रखते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कितना फ़ायदा है शादी का, कितना फ़ायदा है शादी का, दिस इज़ बिजनेस। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं दीदी बिजनेस कैसे किया जाए, कैसे यार भाई शादी कर लो यार, दिस इज़ बिजनेस, कम ऑन। लड़कियां तो एटलीस्ट कर लो, मस्त एकदम लाखों की करोड़पति मालिक बन जाओगी एकदम मस्त, ठीक है। देखो अब तो थाली, अपनी थाली कैसे चलती है, अपने माँ से चलती है, अपने पापा से चलती है। तो सेंसरी सिग्नलिंग, अपने सेंसरी को भी कौन सिग्नल करता है, अपनी थाली करती है। अपने पापा को भी सिग्नल कौन करती है, अपने पापा को भी थाली सिग्नलिंग करती है, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट अपने पास है, मैंने फोरब्रेन करवा दिया, थैलेमस करवा दिया, नेक्स्ट है यार हम लोग के पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने क्या कहा, अपनी थाली के नीचे हिप्पो बैठा है। हमें ये भ्रम था, तुम लोगों को अभी तक लगता आ रहा था कि दीदी ने ये ट्रिक क्या बनाई, बकवास कर रही है, बकवास कर रही है। हम लोग को ये भ्रम था कि हमारी थाली के नीचे हिप्पो बैठा है। अब देखो थाली कहते ही तुम लोगों को क्या याद आएगा कि थाली से ही अपने पास जिंदगी चलती है, अपने माँ और बाप थाली से ही चलते हैं। मोटर सिग्नलिंग, सेंसरी सिग्नलिंग, थैलेमस से तुम लोग को याद आ गया, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है, शरीर भ्रम, भ्रम तुम लोग को याद हो गया। और तीसरा अपने पास क्या है, हिप्पोथैलेमस, अपनी थाली के नीचे हिप्पो बैठा था, हिप्पो बैठा था तो लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। शादी इक्वल्स टू बर्बादी, पर हम बर्बाद होना चाहते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया यार, हिप्पोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर द बॉडी का टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग। यहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, तुम्हें पता है कल पिट्यूटरी के अंदर हमने इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के बारे में पढ़ा था, जो इन हॉर्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, जिनको बोला जाता है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, जिनको क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स बोला जाता है, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स बोला जाता है, ठीक है जी। तो अपने पास क्या हो गया, दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग। साथ में अपने पास यहाँ पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हॉर्मोन्स रिलीज यहाँ पर करेंगे, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स इनको हम कहते हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स हम कहते हैं। तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्लस डीप स्ट्रक्चर, कुछ डीप स्ट्रक्चर जैसे कि अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं लिम्बिक लोब। क्या सभी लोगों को फोरब्रेन याद, क्या सभी लोगों को हाइपोथैलेमस याद, क्या सभी लोगों को थैलेमस याद, तीनों चीज़ें याद, तीनों चीज़ें सभी लोगों को याद हो गई, तीनों चीजें सभी को याद, चलो ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट, साथ में कुछ स्ट्रक्चर्स, डीप स्ट्रक्चर्स जैसे कि अपने पास अमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, वो क्या करते हैं, वो लिम्बिक लोब बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, जो कि दो चीज़ों के लिए, अपने सेक्सुअल बिहेवियर के लिए और हम लोगों के जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं उनको कंट्रोल करते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट छेम छेम हैं, ऑलमोस्ट छेम छेम है, छेम छेम, ठीक है दीदी। बाकर भैया आपके कौन है, बाकर भैया तुम्हारे भैया तो हमारे भी भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ बोल लो, बैचमेट है यार, सॉरी बैचमेट नहीं है, ईयरमेट, मतलब कुछ बोलो, कॉलेज डिफरेंट है लेकिन बैच सेम है। उसका एक बार मैसेज आया था मेरे पास इंस्टाग्राम पे, कुछ बार बात, एक दो बार बात हुई है, इज ए नाइस पर्सन। भैया बोलना है भैया बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भाई बोलना है भाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलते हैं लोग हमारे बारे में, ठीक है। एक वीडियो देखी थी मैंने, हंसी आती है, डन यार, याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, बता बता दो, आगे बनना है फिर मेरे को,
तो अपने पास क्या हो गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है, साथ में एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। अब तुम एक बात बताओ, अपने पास यहाँ पे बीच में ही छुपा के रखना पड़ेगा ना अपने इमोशंस को, अपने सेक्सुअल बिहेवियर को, इन चीज़ों को तो बीच में ही छुपा के रखना पड़ेगा ना, अपने बीच में छुपाएंगे, लिम्बिक लोब, लिम्बिक सिस्टम, इनर पार्ट, समझ रहे हो बेटा, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं यार मिड ब्रेन के बारे में। एक बार मैं तुम लोगों को पूरा का पूरा फोर ब्रेन रिवाइज करवा देती हूँ। देखो ये क्या था यार, ये था मेरा फोर ब्रेन वाला पोर्शन। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो सबसे पहले अपने पास था यहाँ पर सेरी भ्रम। हम लोगों के क्या है, भ्रम है, भ्रम लेफ्ट पोर्शन में भी है, राइट पोर्शन में भी है। केले ने जोड़ रखा है कॉर्पस कैलोसम, केले ने हम लोग को जोड़ रखा है, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, उसके बाद अपने पास यहाँ पर बाहर की तरफ क्या है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हम लोग के पास है। अगर कॉर्टेक्स वाला पोर्शन अपने पास यहाँ पर है तो उसके अंदर क्या क्या होगा हम लोगों के पास, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन के अंदर फटाफट से बता दो, कॉर्टेक्स वाले पोर्शन के अंदर क्या होगा, फटाफट बोलो फटाफट। ये रहा हम लोग की घर घर की कहानी, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरियाज हम लोग के पास थे, ठीक है जी। हम लोगों के पास क्या हो गया, कॉर्टेक्स वाले रीजन के बारे में भी हमने बात कर ली, चलो ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या था, नेक्स्ट इसके अंदर और क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास नेक्स्ट जो रीजन था वो कौन सा रीजन था अपने पास, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस वाला रीजन। अब जस्ट हमने यहाँ पर कॉर्टेक्स की बात करी है, कॉर्टेक्स की बात करते ही अपन ने घर घर की कहानी पढ़ी थी, नेक्स्ट हम थैलेमस में पहुंच गए, थैलेमस अपनी थाली अपने मम्मा और पापा से चलती है, मतलब किस किस से चलेगी अपने पास यहां पर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। नेक्स्ट अपने पास हाइपोथैलेमस के अंदर अर्ज ऑफ ईटिंग वगैरह ये सब यहाँ पर हाइपोथैलेमस में होती हैं, साथ में कुछ हॉर्मोन्स भी हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस रिलीज भी करवाता है। हिप्पोकैम्पस जिसको एमिगडाला भी बोला जाता है, वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट के साथ मिलकर क्या बनाता है, लिम्बिक लोब बनाता है, जो हमारे सेक्शुअल बिहेवियर के लिए, हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये था हमारा पूरा का पूरा फोर ब्रेन, ये था पूरा का पूरा फोर ब्रेन। नेक्स्ट है अपना मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पर होगा, दैट इज लोकेटेड इन बिटवीन, किस किस के बीच में, जिनका जस्ट सेम नाम है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, उन दोनों के बीच में अपने पास ये प्रेजेंट होता है, ऑफ फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के पोन्स के बीच में जो अपना थैलेमस और हाइपोथैलेमस था, और नीचे अब कहाँ पर प्रेजेंट होगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन अपना थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों का नाम सेम है, तो दोनों को साथ अपन यहाँ पे रखेंगे, एक तो थैलेमस हो गया, एक हाइपोथैलेमस हो गया, उनके बीच में अपने पास यहाँ पे ये बीच में प्रेजेंट है, यहाँ अपने पास क्या प्रेजेंट है, दिस इज द पोन्स रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन, और कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासिस थ्रू मिड ब्रेन। बीच में से एक अपने पास सेरिब्रल एक्वेडक्ट पास करती है, ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट पास करती है। डोर्सल पोर्शन कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग्स, जिनको क्या बोला जाता है, चार राउंड स्वेलिंग्स हैं। अगर चार राउंड स्वेलिंग्स अपने पास हुई तो क्या होगा, कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना। क्वाड्री मतलब चार जैम हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना। तो मिड ब्रेन कहाँ पर होगा, मिड ब्रेन मतलब मिड में, किस किस के मिड में, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मिड में, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के मिड में। फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का पॉन्स वाला रीजन, यहाँ पर क्या होती है, एक कैनाल प्रेजेंट होती है। अपन तुम खुद सोचो ना, एक कैनाल तो मुझे बनवानी पड़ेगी मिड में, बीच में एक कैनाल तो बनवानी पड़ेगी। सेरिब्रल एक्वेडक्ट यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ लोब्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, चार राउंड स्वेलिंग्स, तो कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना।
ये हो गया हम लोगों का मिड ब्रेन, ये क्या हो गया हम लोगों के पास मिड ब्रेन। अब देखो यार ये क्या था अपने पास, दिस वॉज आर सेरिब्रम, सेरिब्रम फोर ब्रेन में, दिस वॉज आर सेरिब्रम, दिस वॉज हाइपथैलेमस, दिस वॉज हाइपोथैलेमस, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। उसके बाद ये अपना थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये हम लोगों का मिड ब्रेन, ये हम लोगों का यहाँ पर पॉन्स रीजन, ये अपने पास पॉन्स रीजन अपने पास यहाँ पर है, ये हम लोगों का हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ये हाइंड ब्रेन अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे तो अपनी स्पाइनल कॉर्ड आ ही जाएगी। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हम लोगों के पास था एक डक्ट, एक कैनाल, उसको क्या कहेंगे, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। और यहाँ पर चार कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना प्रेजेंट होंगे और दिस इज कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। तो हम लोग को मिड ब्रेन भी याद हो गया। इसके बाद लास्ट पोर्शन अपने पास बचा है एंड दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, आखिरी पार्ट। और आखिरी पार्ट क्या क्या होगा उसके अंदर, PCM आखिरी पार्ट है, PCB तुम्हारी होती है, इंजीनियरिंग वालों की PCM होती है। तो पॉन्स सेरिब्रम मेडुला, पॉन्स सेरिब्रम मेडुला, क्या क्या हो गया अपने पास, पॉन्स सेरिबेलम मेडुला, तो पॉन्स सेरिबेलम मेडुला, ठीक है। पॉन्स क्या करता है, पॉन्स के अंदर ऊपर से आई है कैनाल, अगर कैनाल आई है तो वैसे ही तुम याद रख लो, कैनाल कनेक्ट करने के लिए आई थी तो यहाँ पे भी अपन कनेक्ट कर रहे होंगे। इस पॉन्स रीजन के अंदर इंटर कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन फाइबर ट्रैक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या तुम्हें बोला, अपने पास यहाँ पर मिड ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट थी यार, मिड ब्रेन अपने पास यहाँ पे था, मिड ब्रेन के बाद हाइंड ब्रेन, कौन सा पोर्शन था हाइंड ब्रेन का, सबसे पहले पॉन्स वाला पोर्शन। यहाँ पे मिड ब्रेन अगर अपने पास प्रेजेंट है तो इस केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हम लोग के पास यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट है, कैनाल प्रेजेंट अगर अपने पास यहाँ पर है तो उस केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पॉन्स रीजन भी क्या करता है, पॉन्स रीजन भी कनेक्ट करने की कोशिश अपने पास करता है, तो ये भी क्या करता है, डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करता है। पी हो गया पॉन्स। नेक्स्ट अपने पास है सेरी बेलम, सेरिबेलम क्या करेगा, बेलम बेल है, बेल घंटी, घंटी बजाओ, मतलब अपने पास यहाँ पे और काफी सारे न्यूरॉन्स के लिए जगह ये दे देगी, जगह क्या करेगी ये दे देगी। दिस प्रोवाइड्स द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस ही होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। लास्ट पोर्शन अपने पास है मेडुला, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते आ रहे थे हर जगह, मेडुला 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 पढ़ते आ रहे थे तुम्हारे रेस्पिरेशन चैप्टर में, तुम लोगों के हर्ट वाले अपने चैप्टर में, सारी जगह पे डाइजेशन वाले चैप्टर में, हर जगह पर क्या पढ़ रहे थे, मेडुला रीजन पढ़ रहे थे। तो ये क्या करता है, मेडुला, मेडुला के बाद क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ये किस किस के सेंटर कंटेन करता है, रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था, रेस्पिरेशन वाले सारे के सारे, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस पढ़े थे, कार्डियोवैस्कुलर वाले सारे के सारे, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, गैस्ट्रिक सेक्रीशन सारी के सारी, ये सभी की सभी चीजें, सभी की सभी चीजें अपने पास यहां पर क्या हो गया, ठीक है, अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, मेडुला हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। तो तीन मेन रीजन अपने पास यहाँ पर ब्रेन स्टेम बना रहे होते हैं, कौन कौन, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, इनसे मिलकर बनी होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ याद नहीं होती, ये याद किससे रखोगे, डायग्राम से याद रखोगे। देखो ये है मेरा पूरा का पूरा ब्रेन, क्या क्या हमने पढ़ा, देखो सबसे पहले मैंने पढ़ा था फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के अंदर अपने पास क्या क्या था, एक था सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, सेरिबेलम, थाली में, थाली के नीचे हिप्पो था, ठीक है। तो अपने पास थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये मेरे पास हो गया ब्रेन, ठीक है, ब्रेन अपने पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट इन दोनों को, दो हेमिस्फेयर्स के बीच में उन दोनों को कौन जोड़ रहा था, उन दोनों को जोड़ रहा था कैलोसम, केला जोड़ रहा था, कॉर्पस
क्या लो सम। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास आया मिड ब्रेन वाला रीजन। मिड ब्रेन वाले रीजन के अंदर एक डक्ट प्रेजेंट होती है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। उसमें साथ में क्या होगा, चार कॉर्पोरा क्वाड्रीजामिना। नेक्स्ट अपने पास क्या है, हाइंड वाला पोर्शन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर अपने पास क्या क्या होगा, हाइंड ब्रेन में PCM, पोन्स सेरिबलम मेडुला। पोन्स क्या है अपने पास, दिस इज द पोन्स रीजन। और यहाँ पे देखो ये अपना जो सेरिबेलम वाला रीजन है ये यहाँ से बाहर निकल गया, दिस इज द सेरिबेलम वाला पोर्शन एंड लास्ट इज द मेडुला पोर्शन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे इस ब्रेन की स्टेम किसने बना रखी है, तो तुमको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है इस पोर्शन ने बना रखी है। कहाँ से, मिड ब्रेन ने, फिर पोन्स ने, और फिर अपने पास पी सी ने नहीं बना रखी, डायरेक्ट मेडुला ने बना रखी है। सी तो इधर बाहर निकल गया है, मेरी स्टेम सी की वजह से नहीं बनी है, मेरी स्टेम सी की वजह से यहां पर नहीं बनी है। तो अपने पास यहां पर क्या क्या हो गया, ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाएगा, पोन्स वाला पोर्शन बनाएगा, देन अपने पास मिड ब्रेन बनाएगा, पोन्स बनाएगा एंड मेडुला बनाएगा। सेरिब्रल क्या हो गया, सेरिबेलम क्या हो गया, सेरिब्रम तो नहीं बोल दिया मैंने, सेरिबेलम आएगा। तो सेरिबेलम क्या करेगा अपने पास, सेरिबेलम बाहर निकल जाएगा, सेरिबेलम यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ब्रेन, ये था हम लोगों का पूरा ब्रेन। ब्रेन हम लोगों का ख़त्म, ठीक है, ब्रेन हम लोगों का हो गया यार ख़त्म, ठीक है जी। आगे देखो, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन, अब क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब जो एक्शन रिफ्लेक्स में आया। जैसे ही मैंने तुमको बोला, जैसे ही मैंने तुमको बोला यार तुम्हारा फेवरेट इंसान इस जिंदगी में कौन है, इस दुनिया में तुम्हारा फेवरेट इंसान कौन है, तुम एकदम से क्या कहोगे, मम्मा या पापा, एकदम से ये कहोगे, यही कहोगे ना, एकदम से यही कहोगे तुम लोग। रिफ्लेक्स एक्शन, तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, एकदम से यही होगा, मम्मा या पापा, यही होगा, ठीक है जी। तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड अ सडन विदड्रॉल। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत हॉट है, हॉटी हॉटी, ठीक है। तो अब क्या है, सभी लोग जाओ यार एक बार, चलो कमान, सभी लोग किचन में जाओ और हॉट पैन को हाथ लगा के आओ सभी लोग। किसी को कुछ दिक्कत हो गई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, ठीक है। MBBS कर ले ढंग से, तू पहले बात करना सीख ले ढंग से, फिर मैं MBBS करना सीख लूँगी, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होगा, देखो मान लो ये एक हॉट पैन है, हॉट एकदम हॉट, क्या हुआ मेरे पास यहाँ पे, ये मैंने इसको ऐसे हाथ लगा, एकदम से क्या क्या करूँगी मैं, एकदम से विड्रॉल होगा व्हेन इन कम्स कॉन्टैक्ट हॉट कोल्ड पॉइंटेड या जो भी स्केरी या पॉइजनस चीज़ें होती हैं, एकदम से विड्रॉल होता है, एकदम से विड्रॉल होता है, बिल्कुल होता है। तो ये क्या होता है, ये दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ अ रिस्पॉन्स टू अ पेरीफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। अब एक बात बताओ, ये जो मेरा टच हुआ ये सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेशन था या पेरीफेरल था, अगर पेरीफेरल पोर्शन में हुआ था तो क्या था अपने पास, क्या था अपने पास, पेरीफेरल वाला पोर्शन था, पेरीफेरल वाला पोर्शन था, तो पेरीफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इन वॉलंट्री, तुमने अपने जानबूझ के वहाँ पर नहीं किया, विदाउट कोई कॉन्शियस एफर्ट तुम्हारे पास वहाँ पर नहीं था, उसकी वजह से क्या हुआ तुम लोगों के पास, एकदम से जैसे ही तुमने ऐसे किया फिर तुम्हारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस गई और ब्रेन ने यहाँ पर तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने पार्टिसिपेट किया और एक रिफ्लेक्स एक्शन आया कि बहन हटा ले हाथ, बहन हटा ले हाथ। तो क्या हुआ अपने पास यहाँ पर, देखो सबसे पहले ये एक हॉट पैन था, हॉट पैन था तो मेरे पास यहाँ पर अगर, ठीक है, ये हॉट पैन अपने पास यहाँ पे है, हॉट पैन है तो हॉट पैन टच करते ही अपने पास यहाँ पे क्या हुआ, हॉट पैन टच करते ही हम लोगों के पास पेरिफेरल जो नर्वस अपने पास है उसमें स्टिमुलेशन हुआ, उसने अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक भेजा कि ओहो क्या मैंने ये सही किया, एकदम से मुझे दर्द कैसे हुआ, उसने कहा अरे हटा ले, ये क्या है एकदम से जो मैंने ऐसे किया, दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिफ्लेक्स
एक्शन है तो रिफ्लेक्स पाथवे भी होगा एक. अगर ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है तो कोई एक पाथवे भी फॉलो होता होगा, कोई एक रिफ्लेक्स पाथवे भी होगा दैट कंप्राइज एटलीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन. जिसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, जिसने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को दैट इज एफरेंट रिसेप्टर. अब क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ, ये किसके पास तक जाएगा, ये जाएगा ब्रेन की तरफ. उसको क्या बोला जाता था, जो टिश्यू से ब्रेन की तरफ जाता था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था एक्सेप्टर. उसको क्या बोला जाता था हम लोग के पास, सॉरी एफरेंट. याद है तुम लोग को मैंने दो टर्म्स बताई थी, एफरेंट एंड इफरेंट. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एग्जिट मार रहा था वो होता था इफरेंट, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंट्री मारता था वो होता था एफरेंट. एफरेंट होता था वो हम लोगों के पास, ठीक है जी. तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग के पास यहाँ पर एक, सबसे पहले एक जिसने टच किया, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक बात पहुँचवाएगा, जिसने रिसेप्ट किया दैट इज एफरेंट. दूसरा अपने पास क्या हुआ हम लोगों के पास, दूसरा हम लोग के पास हुआ वन इफरेंट. इफरेंट क्या होगा, इफेक्टर न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज. ये क्या होते हैं, एक सीरीज में होते हैं. तुम लोग एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हुआ अपने पास, इसने रिसेप्ट किया, इसने रिसीव किया. रिसीव करने के बाद ए एंटर करवाएगा, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंटर करवाएगा. तो ये क्या हुआ हम लोगों के पास, दिस इज एफरेंट. वहां से वापस इंस्ट्रक्शन निकल कर आएंगी, वापस इंस्ट्रक्शन निकाल कर कौन लाता था, ई कौन करवाता था, एग्जिट कौन करवाता था, एग्जिट करवाता था इफरेंट, ठीक है. तो इफरेंट क्या करवाएगा हम लोग के पास, यहाँ पर एग्जिट यहाँ पे करवा रहा होगा, चलो ठीक है जी. तो इसका मतलब एक एफरेंट और दूसरा इफरेंट दोनों यहाँ पर क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए. मतलब सबसे पहले यहाँ पर मुझे क्या लगी, यहाँ पे मुझे चोट लगी, यहाँ मुझे स्टिमुलस यहाँ पे मुझे मिला. अब स्टिमुलस मिलते ही अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जो अपने पास यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रहा होगा उसको बोला जाता है एफरेंट. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकल रहा होगा उसको बोला जाता है इफरेंट. तो एफरेंट पाथवे, दिस इज द एफरेंट पाथवे. देखो ये बना रखा है हम लोग के पास एफरेंट पाथवे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जा रहा है. दूसरा अपने पास क्या है, दूसरा हम लोग के पास है इफरेंट पाथवे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकल रहा है. ये क्या हुआ हम लोग के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकल गया. क्या दोनों अच्छे तरीके से अरेंज्ड हैं, क्या दोनों अच्छे तरीके से अरेंज्ड हैं? तो इसका मतलब अपने पास क्या हो गया, एफरेंट एंड इफरेंट ये बहुत अच्छे तरीके से अपने पास अरेंज्ड हैं. इसी की वजह से रिफ्लेक्स आता है. सबसे पहले रिसीव किया, ब्रेन तक पहुंचाया एफरेंट ने, वहां से वापस आया कि बहना हाथ हटा ले, इफरेंट ने वापस भेजा और फिर हमने हाथ हटा लिया. तो एफरेंट न्यूरॉन रिसीव सिग्नल, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है किसकी हेल्प से, एक डॉर्सल नर्व रूट की हेल्प से, एक नर्व रूट की हेल्प से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक, ठीक है. ये ध्यान रखना, एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इतने हल्का सा हाथ जलाए, इतने छोटे छोटे कामों के लिए ब्रेन को तंग मत करना, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा के काम चल जाएगा तुम लोगों का. और इफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, इफरेंट न्यूरॉन सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस लेकर आएगा और उसकी वजह से क्या होगा, एक अपना हम लोग के नी पे अगर मार रहे थे हम, तो अपना नी क्या करेगा, रिफ्लेक्स मार जाएगा, नी जर्क रिफ्लेक्स अपने पास यहाँ पर हो गया. तो ये क्या हो गया हम लोग के पास, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, पूरा का पूरा तुम लोग को समझ में आ गया. सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही अपने को चोट लगी, चोट लगते ही एफरेंट अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाने के बाद उसके बाद वापस लेकर आएगा इफरेंट की हेल्प से और वो हम लोग के पास वहां पर निकल कर आ जाएगा. डन. तो ये था हम लोगों के पास क्या, ये हम लोग के पास रिफ्लेक्स एक्शन था. नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, आपके खुद तो 580 मार्क्स थे और स्ट्रैटेजी बनाते हो हाउ टू स्कोर 650 प्लस. सबसे पहली बात तो यार कि मेरे 580 मार्क्स नहीं थे, मेरे 590 मार्क्स थे, ठीक है. और दूसरी चीज़, वो 2019 में थे, उस टाइम पे नंबर कम ही आते थे, ठीक है. तो अभी तुम लोगों के अगर एग्ज़ाम के बारे में बात की जाए तो वो आराम से 630 नंबर के आसपास के नंबर, तुम लोग उस टाइम के नंबरों को मान लेना,
ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ तुम्हारे टीचर्स जितने भी हैं, जिन टीचर्स से आप लोग पढ़ते हो, भाई साहब वो तो नीट क्वालिफाइड भी नहीं है, वो भी क्या वो भी क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि कैसे, वो भी क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि कैसे नीट क्वालिफाई करना है। उनने तो ज़िंदगी में कभी नीट क्वालिफाई भी नहीं किया, फिर कैसे बता पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज उन्होंने लोगों को देखा है कैसे चीज़ों को करना है। सो प्लीज़ माइंड योर बिजनेस। अगर आपको देखनी है क्लास तो देखो, अगर नहीं देखनी तो मत देखो। दिमाग नहीं है तो यूज़ नहीं करना चाहिए ना, नहीं है दिमाग, मान लो, मान लेना चाहिए। जितनी जल्दी मान लोगे, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, ज़िंदगी में खुश रह पाओगे। अदरवाइज़ ऐसे ही दूसरों के सेशंस के नीचे जाके स्पैम करते रहोगे। सीधी सीधी सी मैंने आपको बात बता दी। अदरवाइज़ अगर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भी नहीं है, फिर तो फिर एक काम करना, अपने टीचर से जाके पूछना, भाई तूने कभी खुद तो नीट क्वालिफाई किया नहीं है, कैसे बता सकता है तू कि नीट क्वालिफाई कैसे करना है? हमें पढ़ाएगा तू, खुद तो तेरा नीट हुआ नहीं, तुझे क्या आता होगा? बोलना ऐसे अपने टीचर्स को जाके, वो जवाब देंगे तुम लोगों को बढ़िया वाला, मस्त वाला, ठीक है? एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, थोड़ा सा इश्यूज आ गए हैं कुछ, एक सेकेंड दे दो मुझे बस, तुम लोग का एक सेकेंड का ब्रेक भी हो जाएगा। ओके डन, ठीक है जी, समझ गए? तो प्लीज नेक्स्ट टाइम से अपने मास्टर से, मैडम से पूछें कैसे कैसे करते हैं वो। चलो अब अपने पास नेक्स्ट पोर्शन है, एंड दैट इज़ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स हम ख़त्म करते हैं। अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं यार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आप लोग अभी रेस्ट कर लो, इनको बाद में देख लेना। चलो अब देखो, आनंद मनी सर MBBS हैं VMMC से? हाँ मुझे पता है आनंद मनी सर MBBS हैं VMMC से। फिजिक्स वाला सर MBBS हैं क्या? IITN है क्या? फिजिक्स वाला सर IITN है? भगवान है वो तो, इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर, IITN है? क्यों पढ़ते हो फिजिक्स वाला सर से? गजब लोग हैं, नहीं है ना? कोई एग्जाम क्वालिफाइड है? कोई बहुत हाई फाई कॉलेज से हैं, बट स्टिल नॉलेज है ना? जरूरी है एक एक एग्जाम आपकी उस चीज को डिसाइड करेगा, हाउ गुड यू आर। चलो सेंस ऑर्गन्स के बारे में अब बात करते हैं यार फटाफट से। सेंस ऑर्गन स्मेल कौन करता है? नोज करता है, ठीक है जी? स्मेल कौन करता है? नोज करता है। टेस्ट टंग। सुनता कौन है? कान। देखती कौन है? आंखें, आंखें, ठीक है, नोज। अब नोज अपने पास यहाँ पर क्या है? कंटेन्स म्यूकस कॉटेड रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल। नोज़ के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है? देखो, दैट कंटेन्स म्यूकस कॉटेड रिसेप्टर्स। तुम सबको पता है यहाँ पर म्यूकस कॉटेड रिसेप्टर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल को रिसीव करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अरे भाई अब मत डिस्टर्ब कर, एक्सपीरियंस पढ़ाने से ही आता है। फिजिक्स वाला सर अपने कॉलेज के टाइम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले दिन भी तो पढ़ाया होगा। पढ़ाने दोगे कि नहीं पढ़ाने दोगे? पढ़ाने दोगे कि नहीं पढ़ाने दोगे? सर क्या 10 साल का एक्सपीरियंस लेके कूद गए? ओ माय गॉड, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, कम ऑन गाइस। पढ़ाने के बाद ही आया होगा, मुझे 1 साल हो गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी हो गया, 3 साल बाद आना, मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, मुझे भी उन जितना एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, पढ़ा लूँ अब। कोई इंसान शुरू करेगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा, घर बैठ के रोटियां बना के तो रोटियों बनाने का एक्सपीरियंस आएगा, पढ़ाने का एक्सपीरियंस थोड़ी आएगा। यस, जेई एडवांस क्लियर किया था फिजिक्स वाला सर ने। चलो चलो, तो अपने पास यहां पर क्या हो गया? नोज। नोज वाले केस के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा? दिस कंटेन्स द म्यूकस कॉटेड अपने पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हम लोगों